बत्रा साहब, किसी भी तरह बैंक के साथ चक्कर चलाकर 100 करोड़ का लोन बिजनेस एक्सपेंशन के लिए पास कराओ। सर, अगर हम चाहें तो एक्सपेंशन बिजनेस फंड से भी कर सकते हैं। चड्डा, तुम बेवकूफ के बेवकूफ ही रहे। यहाँ बिजनेस एक्सपेंशन चाहता कौन है? हम तो 100 करोड़ रोकड़ा करना चाहते हैं। समझ गया सर, आप प्रॉपर्टी गिरवी रखकर बैंक से लोन लोगे और बिजनेस में नुकसान दिखाकर लोन वापस नहीं करोगे। बैंक प्रॉपर्टी जब्त कर लेगा और 100 करोड़ आपके होंगे। नहीं नहीं, 1-1 करोड़ आप लोगों को दे दूंगा। और आपके भाई साहब प्रेम जी, उनके पास भी तो लिख कर दिया हुआ पावर है, क्या वो ऑब्जेक्शन नहीं लेंगे? भाई साहब को चेस खेलने से फुर्सत ही कहाँ मिलती है। जब तक वो होश में आएंगे चेकमेट हो चुके होंगे। और वो जिसकी ये सब जायदाद है, वही आपकी भतीजी प्रतिभा, वो भी तो रिकॉर्ड बन सकती है। अरे वो क्या रुकावट डालेगी, बच्ची है। बच्ची है नहीं, बच्ची थी। और कल प्रतिभा पूरे 21 साल की हो जाएगी और आपके सारे नापाक इरादे धरी के धरी रह जाएंगे। What do you mean? मैं आपको ये बताने आया हूँ कि आपके भाई रतन साहनी की विल के मुताबिक जब तक उनकी बेटी प्रतिभा 21 साल की पूरी नहीं हो जाती, आप उनकी सारी जायदाद और कारोबार के सिर्फ केयर टेकर बन के रहोगी। और कल प्रतिभा 21 साल की पूरी हो जाएगी, कल से आपका हुक्म और सिग्नेचर नहीं चलेंगे। यू विल बी पावरलेस। कल से सिर्फ प्रतिभा के ऑर्डर्स चलेंगे। आपकी छोटी छोटी बातों में परेशान होने की आदत नहीं जाएगी। इतनी बड़ी प्रॉब्लम है और तुम छोटी सी बात कहती हो। प्रॉब्लम का हल पास होना तो बड़े से बड़ा प्रॉब्लम भी छोटी सी बात नजर आती है। तो इस प्रॉब्लम का हल क्या है? मैं हूँ ना जीजा जी, आपकी समस्या का हल। अरे पहले अपनी हिचकी का प्रॉब्लम तो सॉल्व कर। तुम्हारे भाई जब से पैदा हुआ है ना, बस हिचकी खा रहा है, पता नहीं कब बंद होगी। अरे हिचकी की छोड़ो और मेरी सुनो, रजत और प्रतिभा की शादी हो जाएगी ना, तो उसका सब कुछ रजत का हो जाएगा। इनडायरेक्टली सब कुछ हमारा हो जाएगा। अरे लेकिन प्रतिभा शादी के लिए माननी चाहिए ना। आप उसकी फिक्र मत करो जीजा जी, अभी मैं उठी जाऊंगा और प्रतिभा को बता लूंगा। फिर देखना, प्रतिभा दौड़ी हुई आपके पास आएगी और कहेगी, अंकल मेरी शादी अब रजत से करवा दो ना। दिस इज माई प्रॉमिस टू यू, आई एम टेलिंग यू, आई विल डू इट। प्रतिभा मुझसे शादी करेगी, मैं जानता हूँ मुझसे शादी करेगी। आपको शतरंज के मोहरों के अलावा और भी कुछ दिखता है? हाँ, रेस के घोड़े दिखते हैं ना। बस यूं ही बैठे रहोगे ना तो एक दिन लंगर की लाइन देखनी पड़ेगी खाना खाने। ओफो, क्या हुआ, क्यों ऊंट की चाल जैसी टेढ़ी बातें कर रही हो? आपको पता है आपकी भतीजी प्रतिभा कल पूरे 21 साल की हो रही है। वेरी गुड वेरी गुड, अब वो वोट देकर देश का प्राइम मिनिस्टर चुन सकेगी। ओहो, अब मजाक छोड़ के मेरी बात गौर से सुनिए, कल प्रतिभा अपनी सारी जायदाद की खुद करता धरता बन जाएगी। और देवरानी ने उसकी सारी दौलत हथियाने अपने भाई को काम पे भी लगा दिया है। वो प्रतिभा के साथ ऊटी जा रहा है उससे शादी करने के प्लानिंग के चक्कर में। अरे भाग्यवान, शतरंज का खिलाड़ी हूँ, दुश्मन की हर चाल पर नजर रखता हूँ। तुम्हारी बहन के बेटे सुजीत को ऑलरेडी मैंने ऊटी रवाना कर दिया है। Don't touch, मैं हूँ नाजुकली। Don't touch, दीपाने, Don't touch, मैं हूँ नाजुकली। Don't touch, दीपाने, Don't touch, मैं हूँ नाजुकली, मुझे छूना नहीं। धड़के धड़के दिल में दा धड़के 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 दिल में रह धड़के धड़के, मैं हूँ हैंडसम जवान। धड़के धड़के दिल में रह धड़के धड़के, बात मेरी तुमान। धड़के धड़के दिल में रह धड़के धड़के, हम हैं तेरे दीवाने, हमें चक्कर में ना डाल। धड़के धड़के दिल में रह धड़के धड़के, धड़के दिल में रह धड़के धड़के।
जा धड़के 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 दिल में जा धड़के धड़के मैं हूँ नाजुक कली डोंट टच मैं हूँ नाजुक कली डोंट टच मैं हूँ नाजुक कली मुझे छूना नहीं दीवाने सपनों की रानी कब आएगी तू प्रतिभा आ रही है प्रतिभा 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 तुम मुझसे शादी कर लो शायद मेरी हीरी इसकी बंद हो जाए प्रेतात्मा प्रेतात्मा सुजीत नाम है मेरा प्यार से लोग मुझे सू कहते हैं सुसु मैं क्या कह रहा हूँ कल तू मेरे साथ डांस कर रही थी तो मेरे से शादी कर लो ना अरे हट इसकी मेरे साथ शादी करेगी मेरे साथ भी तो डांस कर रही थी प्लीज वेट अ मिनट लेट मी थिंक तुम दोनों आपस में फैसला कर लो तब तक मैं जरा घूम कर आती हूं मैं एक मिनट हम लोग एक काम करते हैं टॉस करते हैं फिर बस कॉइन है ना कॉइन निकल जाओ ला 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 I love you too, baby. ज्ञान गुण सागर हे कपी स्थिति हो लोक उजागर बजरंग बली हमें शक्ति दीजिए ताकि हम 24 से अपना पूरा पैसा वसूल कर सके और अपनी माँ का पूरा कर्ज उतार पाए और हम पे कृपा कीजिए जब हम 24 पे हाथ उठाए तो हमारा कोई भी इमोशन बीच में ना आए क्योंकि आप तो अंतर्यामी हैं प्रभु आप अच्छी तरह से जानते हैं कि राजा को जब भी भारी पड़ा है उसका खुद का इमोशन ही भारी पड़ा है इसलिए नो इमोशन ओनली जस्टिस जय बजरंगबली अरे गुरुजी प्रणाम आयुष्मान भववत इतनी गंभीर मुद्रा में किधर को कूच कर रहे हो वत क्या बताया गुरुजी नो इमोशन ओनली जस्टिस वो चौबे है ना उससे हमको पैसा वसूल करना है हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम अपने कार्य में सफल हो जाएं वत जिस तरह तुमने अपने ब्रह्मचर्य से काम पर विजय पाई है ना उसी तरह मेरा आशीर्वाद है कि तुम उस चौबे पर भी विजय पाओगे चलो ठीक है चौबे हम आ रहे हैं छोड़ेंगे नहीं सारे तो भोला समझता है भाला ना मार दिया तो अरे राजा भैया कहाँ जा रहे हो ना लोके अरे आज तो अनोर भाई हम चौबे से पैसा वसूल करके रहेंगे तो जाइए फिर हमारा कोई आइडिया चाहिए तो बता दीजिए ना लोके अरे कोई आइडिया है नो इमोशन ओनली जस्टिस ठीक है तो हम भी अब्बू को नमाज पढ़ा के आते हैं ना लोके अरे तभी तो हमने तुमसे दोस्ती की है कि तुम अपने अब्बू का इतना ख्याल रखते हो आधा वर्ग जीते रहो अच्छा हम आते हैं गुड लक भैया अरे साला छोड़ेंगे इसको बदमाश है कच्ची अरे भैया प्रणाम हाँ भैया प्रणाम आज हमको चौबड़ी से पैसा वसूलना है आज का दिन हमारा ज्योतिष क्या है देख के बताओ दांत दिखाइए ही दांत क्या दे बहुत अच्छा मुहूर्त है निकल जाइए मिल जाएगा पैसा भैया ये लोग हाथ देखकर बोलते हैं तुम दांत देखकर हमारा भविष्य ढूंढ रहे हो आजकल दांत ही देख रहा हूँ भैया आजकल हाँ देख रहा था ए यहाँ आ राजा भैया इसको पकड़ बेटा इसको पकड़ बेटा हाँ देख रहे जाने ना पाया बोल रहा दांत देखकर भविष्य बता रहा है हाँ। अगर नहीं मिला ना हमको पैसा तो इसके दांत तोड़ देंगे बात बढ़िया अरे हम चले भैया पहले मेरी दाढ़ी तो बना दो अरे उसका हजामत है साबुन लगा दिया हजामत बना देता हूँ लेकिन राजा भैया हाँ। अरे पैसा लेकर ही लौटना इस बार अरे नाक है कि ट्रक का फटा हुआ साइलेंसर
अरे दीदी, आपने भी इस कुंभकर्ण के साथ इतने साल कैसे गुजार दिए? मत मारी गई थी मेरी। ए चौबा, बाप रे, ये राजा आज आग का गोला कैसे बन गया? अरे जीजा जी, उठो उठो जीजा जी, राजा आ गया, राजा आ गया। अरे बाप रे, बच्चों इधर आओ, रोना शुरू करो। अबे अबे, तो लटका हुआ है, क्या कर रहे हो? चुप, क्या कर रहे हो भाई? मैं आत्महत्या कर रहा हूँ राजा भैया, मेरे गंदे खून से आपके हाथ खराब ना हो जाए इसलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूँ, लेकिन मेरी नीयत में खोट नहीं है राजा भैया। चौबे जी, आप ये सब कांड क्यों कर रहे हैं? क्या बताएं राजा भैया, आपने पैसे दिए, मैंने मुर्गी खरीदी, मंडी में बेची, लेकिन वो साला व्यापारी पैसे लेकर भाग गया। लेकिन वो तो बड़े चुप बोलते तो चुप नहीं हो सकता। हाँ, व्यापारी पैसा लेकर भाग गया, फिर क्या हुआ? उसके बाद मैंने गहने लिए बीवी के और वो गिरवी रखे। लेकिन दीदी के जेवर पर वो तो चुप है। भाभी जी के जेवर गिरवी हो गए और तुम पापा पुर 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 क्यों कर रहे हो? फिर क्या हुआ? मैं आप ही के पास पैसे लेकर आ रहा था, अबे तो डाकुओं ने लूट लिए। डाकू? लेकिन ये सब अरे चुप यार, व्यापारी पैसा लेकर भाग गया है, भाभी जी के जेवर गिरवी हो गए, डाकू ने पैसा लूट लिया है, ट्रेजेडी पर ट्रेजेडी हो गई और तू पीछे बोल रहा है, फिर क्या हुआ? अब मेरे पास जहर खाने के लिए भी पैसा नहीं है, मेरी बैल जोड़ी मर चुकी है, मेरे बापू को कैंसर हो गया है, मेरी बीवी को लकवा मारा है। लेकिन दीदी को कहा भैया? और मेरी बेटी जो ससुराल में थी, ससुराल वाले उसे तंग कर रहे, दहेज दो वरना जलाकर मार देंगे। अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे मरना है, नहीं तो मैं टेररिस्ट बन जाऊंगा, मैं किसी की हत्या कर दूंगा। नहीं भैया, सीधे खड़े रहो और एक काम करो, ये पैसा रख लो, 500 रुपए रख लो, जान है तो जान है, वरना सब कुछ। लेकिन मैंने तो अब कुछ बोला ही नहीं। हमको पता था तुम कुछ बोलोगे इसलिए एडवांस में दे दिया। अच्छा अच्छा भैया, चलते हैं, अपना ख्याल रखो। और ये सब मत करना यार, ये छोटे छोटे बच्चे हैं। राजा भैया बहुत महान है। पैसे ले, मुर्गी ला और पका। क्या बता, तू आ गए? चौकर मत रो, रो रो के पूरे गांव को बुलाएगा क्या? हम तो रोएंगे, हमको बहुत रोना आ रहा है। ठीक है, रो ले, जी भर के रो ले, पेट भर के रो ले बस। अरे काहे रोए, फोकट में आंसू आता है क्या? नहीं आते ना, तो फिर क्यों बाहर आए? चौबे के यहाँ तुम्हें पैसे लेने के लिए भेजा था, क्या हुआ उसका? अरे हमसे चौबे का दुख नहीं देखा गया, हम लोगों का कर्जा चुकाने में वो आत्महत्या कर रहा था, तो? इसलिए हमने उसकी 5 रुपए की बेचारे की और मदद कर दी। अरे ये क्यों नहीं कहता, उसने तुझे उल्लू बना दिया। अरे नहीं माँ, उसने हमको उल्लू नहीं बनाया। अरे बहन, ये उल्लू बना नहीं है, खुशी खुशी खुद उल्लू बनकर आ गया है। हाँ, ओ खान चाचा, हम कोई मामा नहीं है इतने बड़े, समझे? अच्छा अच्छा ठीक है, एक बात बता, मुर्गियों का दाना लाने के लिए कहा था, क्या हुआ उसका? अरे हमको उस रास्ते पे नहीं जाना है। क्यों? अरे उस रास्ते पर छाया और माया रहती हैं। अरे तो फिर वो लड़कियाँ तुझे क्या करती हैं? अरे वही तो डर है कि कुछ कर ना दे दोनों मिलके। अरे खान चाचा, क्या होगा इस लड़के का? हाँ, इसके ऊपर जिम्मेदारी डाल दे, शादी कर दे इसकी जल्दी से। अरे मैं तो कल करवा दूँ, पर माने तब ना। सत्यानाश हो उस पहाड़ी वाले चंडीदास बाबा का, बचपन में मैंने इसे उनके पास धर्म कर्म का ज्ञान लेने क्या भेजा, उल्टी पट्टी पढ़कर आ गया, कहता है आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, शादी के नाम से ऐसा भड़कता है जैसे लाल कपड़ा देकर सांड। राजा, छाया माया न कहीं मिल जाए। अच्छा मुर्गा आया है फसाने के लिए? मुझे तो ये अभी से मुर्गा नजर आ रहा है। Come on, छाया, let's fasan him now. Let's do it. Hi, राजा। राजा जी, हमारी गाड़ी खराब हो गई है। कब से रुकी पड़ी है? हाँ राजा, तो हम कोई मैकेनिक है जो गाड़ी रुकी गाड़ी चला दे? जरा धक्का लगा दो ना प्लीज। अच्छा काहे नहीं, धक्का क्यों नहीं लगाएंगे, जरूर। अरे शहर में किसी की भी गाड़ी खराब हो जाए और राजा भैया धक्का ना लगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आइए जोर लगाते हैं, आ जाए। क्या हो रहा है? धक्का लगा रहे हैं। तो गाड़ी को लगाइए ना, हमको मतलब कि थोड़ा डिस्टेंस रख के लगाइए, कुछ करिए। एक मिनट, स्टीयरिंग पर तो कोई हाइया नहीं, तो धक्का मतलब के लगाने का फायदा क्या है? ही जोर लगा के क्या हो रहा है? आप गाड़ी को धक्का लगाइए ना। भैया, माया, भैया आ गए, भैया आ गए। तो क्या हो गया? गाड़ी को धक्का लगाना तो पुण्य का काम है। ओ, हम फिर कभी संभाल लेंगे, यू नो। बाय राजा। नमस्ते। बाय भैया। चलो 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 चलो। भैया आ गए। एक गाड़ी तो स्टार्ट हो गई। अरे ये तो चला के ले गई। ओहो, गाड़ी नहीं ले गई, ये गांव में गबरू पहलवान नजर आया तो उसके शरीर का आनंद उठा ले गई। ओहो, ये तो ब्रह्मचारी नष्ट करने आई थी।
अरे जवान लड़के घर से गायब है पर आप लोगों के पेट का पानी भी नहीं हिलता। हाँ पता नहीं जिंदा है भी या नहीं। अरे मर खप गई हो तो अच्छा है। अरे मर खप गई होगी ना तो बहुत अच्छा ही है, जायदाद 50-50 करके बांट लेंगे। लेकिन जिंदा रही और किसी के साथ शादी करके अपने हस्बैंड के साथ अगर यहाँ आ गई ना तो नौकर बन के रह जाएंगे। हाँ। अरे मैं उसके पति को गोली मार दूंगा, विधवा बना दूंगा प्रतिभा को। वेरी गुड, फिर मैं उससे शादी कर लूंगा। पैसे दो मैं बंदूक लेकर आता हूँ। अरे चुप कर बंदर, दोनों साले के साले रहे। हाँ। दोनों में से एक ने उसे पटा कर शादी कर ली होती ना तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। बिल्कुल बिल्कुल नहीं छोटे। चुपचाप बैठने से कुछ नहीं होगा, हमें पता करना ही होगा कि महारानी है कहाँ। ये बताइए मेरी शादी कब होगी। भैया आपके हाथ में तो तीन तीन शादियाँ लिखी हुई हैं। दो हो गई है, तीसरी कब होगी। अरे शादी छोड़िए ना, तरक्की होगी कि नहीं ये बताइए। भैया यूपीपी से पीपीओ बहुत जल्दी बन जाएंगे। अच्छा यूपीपी से पीपीओ बन जाएंगे। ये पीपीओ क्या होता है यार। पागल पुलिस ऑफिसर। अच्छा ठीक। पकड़ो सली को। अरे देखो पकड़ता क्यों नहीं। अरे रुक तो सही। अरे रुक मैं कहता हूँ रुक। अरे अबे पकड़ा के नहीं। हाँ हाँ पकड़ ली, अब टेंशन की कोई बात नहीं, पकड़ लिया। अरे कहाँ कोई बचा है जो ये बचेगी। अरे चौबे जी प्रणाम, क्या हाल चाल है भैया, यहाँ कहाँ। मैं आप ही के पास आ रहा था। हमारे पास जी। लेकिन जी जाजी चुप, मैं बोल रहा हूँ ना। जब बड़े बोल रहे हैं तो क्यों बीच में बोल रहा है। हाँ तो हमारे पास क्यों आ रहे थे। वो जो अपने मुर्गी और 5,000 रुपया रोकड़ा दिया था ना वो लौटाने आया। लेकिन मैं बोल रहा हूँ ना। अरे आप बोलने क्यों नहीं। बड़े बोल रहे हैं तो तेरा बोलना जरूरी है। तो आप पैसा देने आ रहे थे, दे दीजिए यहीं, दे दीजिए अभी दे। हाँ दे देता हूँ, लेकिन किसी ने मेरा बटुआ चुरा लिया है। गाँव के लोग ठीक आ रहे हैं। अरे पकड़ो पकड़ो, क्या पकड़ लो, बगल में तो खड़ी है, पकड़ते क्यों नहीं बे। राजा भैया आपके पास रुमाल है। रुमाल, रुमाल की चाहिए। अरे अभी सड़क के किनारे बैठ जाऊंगा, भीख मांगूंगा, पैसे मिले तो गांव चला जाऊंगा। ही काहे मांगेंगे, क्या कह रहे जी। जीजा जी आप मुझे बोलने क्यों नहीं देते। काहे बात करनी है तेरे को, अगले का भीख मांगने का पोजीशन आ गया, तेरे को बात करनी है। अरे तो बहुत बुरी बात होगी। नहीं 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 आप राजा भैया के होते हैं, भीख क्यों मांगे। नहीं आपने बहुत पैसे दिए, अब मैं नहीं लूंगा। नहीं 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 चौबे भैया ये आप 500 रुपए रख लीजिए, आप रख लीजिए। बच्चों की मिठाई के लिए भी पैसे चाहिए। हाँ तो इसी से ले लीजिए ना। इसी से ले लूँ और नहीं है हमारे पास, नहीं तो दे दे। अरे राजा भैया थैंक यू भैया। नहीं नहीं भैया आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, बहुत बुरा हाल है। देखिए ये एक नंबर के झूठ। सीता जी का भीख मांगने का टाइम आ गया तो बुरे हो गए, एक नंबर के। चल निकल निकल। अरे वाह ये देखो मोबाइल, ये मोबाइल कहाँ से आया तेरे पास। मेरा है, मेरा है। अब इधर आ, इधर आ, इधर आ। ये तो मोबाइल गैंग की लगती है। हमको भी है। तेरा बॉस कौन है। कौन है जल्दी बता। खाना दोगे। खाना तो बताऊंगी। खाने के लिए अपने बॉस का पता बता देगी। क्यों नहीं यार, खाने के पीछे हम खून ही को छोड़ देते हैं, फिर ये तो बॉस का पता ही बताएगी। बता कौन है तेरा बॉस, बता दे। पुलिस यहाँ क्यों आ रही है। किसको बोल रहे हो, हमको बोल रहे हो क्या। यू आर अंडर अरेस्ट। अरे भैया हम कितनी बार कह चुके हैं कि हम कोई गैंग वैंग के लीडर नहीं है यार। अच्छा बबुआ तो वो लड़की क्या झूठ बोल रही है। अरे हम इसको पहचानते भी नहीं है। पहचानेगा, बहुत जल्दी पहचानेगा। अभी अंदर करूंगा ना मैं हर रात में। लड़की क्या उसकी माँ के बाप उसके पूरे खानदान को पहचानना शुरू कर देगा। मिस्टर गैंग समझ ले अंदर हो गया तेरा पूरा गैंग। अच्छा तो भैया एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट ठहरो। क्या है। ये लो कंघी कर लो। क्यों मजाक उड़ा रहे हो यार मेरा। मेरे सर पे बाल ही नहीं है तो मैं कंघी कैसे कर सकता हूँ। अरे जब गैंग ही नहीं है तो अंदर काय करोगे यार। अरे हम सीधे सारे आदमी है, मुर्गी का दरबा खोल के बैठे हैं, मुर्गियों को दाना डालते रहते हैं। एक मुर्गी हमारे सामने बैठी है। भाग गई। बताइए क्या, बताइए
पगली है, दो दिन से घूम रही है। अच्छा हुआ इस लड़की की जान चली जाती तो क्या मुसीबत है। बेचारी मरना चाहती है पागल। चल चलो भूख लगी है। हा? खाना मिलेगा? हाँ हाँ मिलेगा। चलो शहर में एक गलत उंगली क्या उड़ गई, तमाम रात हवालात में कर। अरे शेरबाजी रहने दे घर चल। अरे खान चाचा वो तो अच्छा होगा कि आप सही मौके पर आ गए हमको छुड़ाने के लिए, वरना पता नहीं कौन से सेक्शन से हमारा कलेक्शन कर रहे। अरे भाई मेरे जो बीत गई उसे भूल जा। अच्छा अच्छा खुदा हाफिज़। जी दे रहो आज छोड़ने चले हैं आपको घर? नहीं मैं चला जाऊंगा। अच्छा खुदा हाफिज़। अबे बाप वापस कर जा रहा था मैं। प्रभु रामचंद्र जी बिल्कुल ठीक कह गए थे, हंस चुगेगा दाना तिनका कौवा मोती खाएगा। क्यों रे कौवे तू रात भर था किधर? अरे काम आ वही खेल नारी और ब्रह्मचारी का। क्या बकता है? और नहीं देखा। अच्छा भला जा रहे थे रास्ते पर एक नारी ने उंगली कर दी हमारी तरफ। हाय। हाँ और पुलिस समझी कि हम गुंडे के आदमी है, ले जाकर अंदर करने लगी हमको। वो तो अच्छा हुआ खान चाचा आकर हमको जमानत पर छुड़ा लिया। अरे पर तो शक्ल से गुंडा लगता नहीं। तो लगता का मतलब होता का? अरे माँ तुम समझोगे नहीं आजकल खेल बहुत खराब हो गया है। मान लो कोई सफेद रंग का कपड़ा पहनकर घर से बाहर निकला, किसी ने चार रंग मार दिया तो आदमी कपड़ा तो बदल सकता है। जिंदगी में कोई चार रंग मार दे तो क्या करेगा? अरे तुम नहीं समझोगी माँ, जाकर पानी ले आओ हमारे लिए। अभी लाती हूँ। अरे ये नारी का क्या चक्कर है समझ में नहीं आ रहा। एक बार वो नारी मिल जाए इसने उंगली की थी हमारी तरफ, हमारी तरफ हूँ लड़की का हाथ हमारे घर में। हे भगवान क्या हो रहा है? अरे अरे ये तो वही है, ये कहाँ से आ गई? चल निकल भागे। तू निकल बाहर। अरे हमको बाहर निकाल रही है घर से माँ, ये कहाँ चक्कर है? अरे तू इसे जानता है? जानता हूँ। अरे ये तो है वो जिसने उंगली की थी हमारी तरफ। अरे नहीं, कर रही है? नहीं नहीं ये बेचारी पागल है, बेसहारा है, इसलिए मैं इसे घर ले आई हूँ। अरे ये हमको अंदर करने वाली थी और अब हम घर के अंदर आ गए इसलिए इसको बाहर निकालो। बाहर निकल में। अरे ये कहाँ? क्या हुआ? इसने कुर्ता पहन लिया हमारा, हमारा ब्रह्मचारी का। है उतार कुर्ता। हमारा कुर्ता तुम्हारी आंखों के सामने उतार रही है। अच्छा अच्छा एक बात कान खोल कर सुन ले। अरे कान तो ऑटोमेटिक खुला हुआ है। तो फिर सुन ले, जब तक इसके घर वाले नहीं मिलते ये यहाँ से नहीं जाएगी, यही इसका घर है समझे? ये तुम्हारा प्राण है? हाँ। अरे कैसा प्राण ले रही हो कि अगले का प्राण निकल जाए? माँ होके मदर इंडिया, उसने बिरजू को गोली मार कर लाला को छोड़ दिया, तुमने बाहर की लड़की को अंदर ले और अंदर के लड़के को बाहर निकाल दिया। अरे हम तो कहते हैं कि निकाले। अरे अरे नहीं ठीक है, नहीं बढ़िया फर्स्ट क्लास, बल्कि फर्स्ट क्लास चाहिए। हाँ नहीं होता है ऐसा। क्या सोबत का असर होता है ना माँ? अरे चुप। अच्छा तो ठीक है जा रहे हैं, लेकिन एक बात का ख्याल रखिए, देखते हैं आज से मुर्गियों को दाना कौन देता है। और एक बात बोले, और मक्खन जो पड़ा है ना मटके के अंदर वो पड़ा पड़ा सड़ जाएगा, पूरे मोहल्ले को गंदा महकेगा। कोई बात नहीं सुनिए। बोलिए। अरे इसको तो पी के चाहिए ना। चुल्लू मत थमाइए ना। उल्लू समझ के रखा है क्या? हाँ ये कहा है? हे भगवान क्या होगा इस घर का, हे भगवान। पहले तो घर के बाहर लाइन मारी जाती थी, अब घर में शुरू हो गए। जय हो। बहुत बढ़िया। दुनिया दो टांग पे ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही, एक टांग में लगे हुए हैं भाई साहब। खड़े रहिए, लगे रहिए भैया। कहाँ जा रहे हो? ये रास्ता अंदर जाता है ना, तो अंदर ही घुसेंगे और कहा। गुरुजी आपसे नहीं मिल सकते, वो व्यस्त है। अरे वो व्यस्त है, हम बहुत त्रस्त है चेले और खास उनके, हमको मिलना है उनसे। मैंने कहा ना आप अंदर नहीं जा सकते। अच्छा इसी बात। अच्छा ठीक, ये कौन लोग आए हुए सबके सब? कहा बताइए, द्वारपाल है मंद बुद्धि कहेंगे। बालिका तुम्हारा प्रसाद तो बहुत कमाल का है, थोड़ा और प्रसाद खिला दो, थोड़ा सा और खिला दो प्लीज। चलो मैं आंखें बंद कर लेता हूँ। योगा में श्रेष्ठ ब्रह्मचर्य से सुशोभित गुरुजी तो खुद शुरूजी हो गए। राजा ये कहाँ अन्याय हो रहा है गुरुजी? भागो। प्रभु ये कहाँ हो रहा था? ये हमने अपनी आंखों से कहाँ देखा? राजा वो मैं राजा वो कन्या बहुत परेशान थी, मैं उसे आश्वासन दे रहा था। आश्वासन दे रहे थे कि आसन दे रहे थे? आश्वासन। अरे हम तो आपको गुरु समझते रहे, परंतु आप तो गुरु घंटा लिख लो भैया। राजा एक सेकंड ना, मैं अभी एक मिनट। कुछ नहीं यहाँ बैठो, कि जो अच्छाई का चोला पहनकर आप जो गलत काम कर रहे हैं हम इसी चोले का कफन पहना देंगे आपको। एक मिनट एक मिनट, यहाँ कहीं गड़ासा हुआ करता था एक जमाने में। अरे गुरुजी रुकिए जरा, अरे पाखंडी लाल जी एक मिनट जरा रुकिए। राजा बेटा सब क्या हो रहा है? अरे क्या क्या नहीं हो रहा है,
अरे हमको ब्रह्मचारी बना के अपना चेला बनाए हुए हैं और खुद अपने दोनों पट पर एक एक बैठाए हुए हैं, पाखंडी कहीं के। अरे लल्ला यहाँ कौन नहीं पाखंडी है, पाखंडी सारी दुनिया है। यहाँ आदमी तभी तक शरीफ है जब तक उसे बदमाशी करने का मौका नहीं मिलता। बहुत गलत बात कर रहे हैं मुखिया, बहुत बात गलत कर रहे हैं आप, बहुत ज्यादा गलत बात कर रहे हैं। गलत कर रहे हैं? अरे हम पाखंडी नहीं है, हमको तो पूरा मौका मिलता है। हाँ, पर हम मौका उठाते नहीं है ना, क्योंकि हम ब्रह्मचारी थे और रहेंगे। माँ देखो कौन आया है। लौट कर बुद्धू घर को आया है। क्या हुआ? गया था ना स्वामी जी के पास, रखा नहीं उन्होंने? अरे वो तो रखने को तैयार होगा जब हम खुद रहे नहीं। लोग क्या कहते कि देखो माँ ने पेट काट काट कर बेटे को पाला, बेटा बड़ा हुआ सबसे पहले माँ को छोड़कर चला गया। इसके चक्कर में, पगली के चक्कर में हम तुमको क्यों छोड़े। हाँ लेकिन एक बात है कि मेरा विरोध समाप्त नहीं हुआ जब तक ये नारी यहाँ पर आएगी, ये ब्रह्मचारी अंदर नहीं आएगा। लेकिन तब तक के लिए मेरा खाना और मुर्गियों का दाना दोनों बाहर भेजा जाए, हम बाहर भेजा जाएंगे। चलते हैं। सुनिए। कहिए। चूचू। अरे तू कितना छींची आएगी बे, तुझे फेंक के मार। बच्चे हैं क्या, इनको खाना खिला दो ना ढोके। ये राजा भैया, राजा भैया, माँ ने खाना भेजा तुम्हारे लिए ना ढोके। अरे हमको मालूम है यार, हमारी माँ ना ढोके खाना पकाती। भाई भाई देखा हम रूठे हुए ना, इसलिए तुम्हें हाथ से खाना भेज दिया। कुछ भी कहो यार अनवर, माँ माँ होती है। मैंने कब कही माँ बाप होती है? नहीं फिर भी, अरे तुम तो कुछ कहो ही मत यार, तुम बैठ के आइडिया लगाओ। वो छोड़ो, पहले ये बताओ कि घर में पगली कौन है ना ढोके। भैया तो कहने जा रहे हैं कि तुम बैठ के आइडिया लगाओ कि इस पगली को इस घर से बाहर। ये लो, तुम ना धोके खाना लाए हो, यहाँ धोके हमारे घर के पीछे पड़ गई है। ए, रुका हो। अरे सारी मुर्गियाँ हमारी गायब हो जा रही है। अरे क्या कर रही, देखो यार। अरे भैया टेंशन मत लो, ये मुर्गियाँ मैं संभाल लूंगा। हमारी मुर्गियाँ तुम कहाँ संभालोगे, तुम इसको संभालो, इसको घर में मैं डालो, हम मुर्गियाँ संभालते हैं। अरे अरे कहाँ गड़बड़ कर रही हो, मेन रोड है, एक्सीडेंट हो जाएगा। अरे कहाँ दूसरे के आंगन में घुस गई यार। अरे 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 काहे उड़ रही है। ये तो डेंजरस जोन है, यहाँ नहीं जाएंगे भैया, बड़े घर हम नहीं जाएंगे। चलो ट्राई करते हैं। कहाँ कर रही है, खटिया पे आ गई। अरे बढ़िया मौका है। राजा हमारे घर में मुर्गा खोज कर आया है, इसको पकड़े और इसकी तंदूरी बनाए। अच्छा ये भागो रे। राजा तेरा, तू अंदर क्या कर रहा था? अरे हमारी मुर्गी अंदर घुस गई रही, इसलिए पीछे पीछे आ गए। अच्छा एक बात बताए फॉरेस्टर, अपनी बहनों को समझाइए, हमको बहुत छेड़ती हैं। अरे राजा तू उन दोनों में से किसी एक से शादी क्यों नहीं कर लेता? हाय हाय फॉरेस्टर जी, जी हमारा माथा पड़ी है, कहीं लिखा है हम घर है? अरे पागल हो गए जो शादी करेंगे, ब्रह्मचारी आदमी है, मस्त जीवन है हमारा भाई। तेरी ऐसी की तैसी। अरे राजा भैया आओ। अरे भैया ये अपने अहमद भैया की शादी दिल्ली की लड़की से हुई है। हाँ भैया, तो ये उन्हीं की देन है, मतलब के दहेज? क्या बात कर रहे हैं भैया, हम दहेज ही देते, दाते देते हैं। अबू गए रिसेप्शन का कार्ड देने अंदर ना लोगे तो ऐसे ही यहाँ बैठे हो कि चलाने वाला नहीं आती है? क्या बात कर रहे हो राजा भैया, हमारे आइडिया से बड़े बड़े रिग के गाड़ी चलाना, तुमको भी बता देते कैसे चलाते। सिखा दो भैया। ये डंडी जो है इसे ऐसे किक मारते हैं, पुर से स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद एबीसी सीख लो। सिखा दो एबीसी। ए फॉर एक्सीलेटर, बी फॉर ब्रेक,
टीप और कलच, कलच दबाओ और ये वाला डंडा दबा दो और ऐसे छोड़ दो, फिर देखो हवा से बातें करती है ना दोगे। यू फर कहा है मालूम है? उठो चलो बहुत काम है, चल के करके कोई आइडिया देना होगा। ए भैया, भैया एक प्रार्थना है आपसे, बगैर मांगे आइडिया मत दिया करिए, आइए। अरे आइए, पूरा गांव परेशान है आइडिया से। घूमने चलोगे फटपटी पर? तुमको मोटर बाइक चलानी आती है? वो बोला ना ऐसे करो ऐसे करो तो हवा की तरह भागती है। चलो 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 आओ बैठो 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 बैठो। सब सब वो देखिए वो आ रही है। अरे बाप रे बाप, ये पगली किसी को मारेगी जरूर। हाँ जरूर। जब फटफटी चलाने नहीं आती तो चला कहाँ रही थी? कोई बच्चा मरमरा जाता तो? देखो कहीं मारो मारो। अरे कहाँ हुआ कहाँ हुआ? सांप है क्या? कौन? बिच्छू है। बिच्छू है? अरे कहाँ मार रही है? जान है इसमें। अरे नहीं काटेगा, इंसान के अलावा तुझे कोई जानवर नहीं है जो मैं मतलब किसी को काट दे। लेकिन ये हमारे घर में घुस जाएगा ना? अब नहीं घुसेगा, हम उठाकर फेंक देते हैं। कहाँ मार रही है? एक मिनट जल्दी। हाँ शांति शांति एक मिनट, कहाँ है? कहाँ? संभालिए राजा जी। हाँ देख रहे हैं, हाँ हाथ में आ गया, आ गया आ गया, हाँ समझ रहा है। अरे चल दुपट्टा फेंक दे। थैंक यू राजा जी। ठीक है धन्यवाद बहुत। ये आवाज कहाँ से आ रही है? और कहाँ हुआ? एकदम ठीक जा रहा है। कहाँ इतना एक्साइट हो रही है? हाँ वही। हाथ में आ गया? हाँ हाँ पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया। यस थैंक यू राजा। अरे थैंक यू का ये तो झूठा है। मालूम है तो मालूम है तो इतना चिल्ला काहे रही थी? तुम्हारे करीब आने के लिए और इस पोज में तुम्हारी फोटोग्राफ लेने के लिए। अरे आप लोग दोनों बहनों को नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी, वहाँ एक छोटा सा झोपड़ा मिलेगा जिस पर छप्पर नहीं होगा। हमारी तस्वीर काहे खींच ली? लौटाइए चलिए। अरे नहीं ये तो कल गली कूचे में पोस्टर बन के लग जाएगी। अरे हम हाथ जोड़ते हैं, ऐसा मत करिएगा आप लोग। जोड़ने की जरूरत नहीं है। हाँ। अगर पिक्चर चाहिए तो शाम को 7 बजे हवेली में आ जाना। पागल हो गए का? फोटोग्राफ लेने के लिए तुम्हें हवेली आना ही पड़ेगा ना। शाम को 7 बजे समझे राजा? समझ गए। क्या समझे? यही कि शाम को 7 बजे हमारे 12 बजने वाले हैं। मन में ना प्यास जगा, अरे तन पे ना हाथ लगा, मन में ना प्यास जगा। बचपन से मैं हूँ बाल ब्रह्मचारी, चक्कर चला कहीं और नारी, चक्कर चला कहीं और नारी। मैं क्या करूं, कुछ कोई
डॉक्टर को बुलाऊं, वो जो कहे वो दवा लेके आऊं। बड़ा ना समझ है मेरा साथी हो, प्यार का ये रोग दिया क्या कर दिया, प्यार का ये रोग दिया क्या कर दिया। गागरी ऐसे न भटका मुझे सुंदरी, अंदर तेरे बाप की गागरी ऐसे न भटका मुझे सुंदरी। ये रोग मेरा बड़ा खास है, इसकी दवा बस तेरे पास है। अरे मान मेरा कहना ओ कन्याकुमारी, चक्कर चला कहीं और नारी, चक्कर चला कहीं और नारी। हाय कहता है मेरा दिया, हाय बाहों में भर ले पिया, तूने मेरे तन मन में क्या भर दिया, प्यार का ये रोग दिया क्या कर दिया। बचपन से मैं हूँ बाल ब्रह्मचारी, चक्कर चला कहीं और नारी, प्यार का ये रोग दिया क्या कर दिया। अरे चक्कर चला कहीं और नारी। आज हम आपको एक फुलझड़ी से कई फुलझड़ियां जलाना सिखाएंगे, ठीक उसी तरह जिस तरह एक दिए से कई दिए जल जाते हैं, है ना, है ना। तो देखिए इस तरह से ये एक फुलझड़ी हमने जलाई, अब पांच फुलझड़ियां हम इससे जलाएंगे। इसमें से पटाखे की आवाज आएगी? नहीं बेटा, ये फुलझड़ी है, इससे पटाखे का आवाज कैसे आएगा? पटाखे का आवाज तो पटाखे की आवाज से ही आएगा ना, जैसे हमारे पीछे से अभी आ रहा है। आए, आए बदमाश, अरे अरे आज के बाद हम फुलझड़ी जलाना नहीं सिखाएंगे, हम भी पटाखा चलाएंगे। अरे पटाखे वाले भैया कहाँ हो? अरे नई दुकान खोलेंगे पटाखे की। अरे तेरे को, अरे बजरंग बली बचावा। भैया प्रणाम। प्रणाम भैया। क्या हुआ भैया? अरे कहाँ यार, वो पगली रात को दिवाली मनाई रही ना? हाँ हाँ पता है, फोड़ फाड़ के सबको तोड़ताड़ दिया है भैया। हाँ ए पड़ी जी एक बात बताओ। हाँ ठीक होने के लिए कितना दिन लगी? नहीं नहीं हम नहीं बताएंगे, बहुत मारते हैं बाद में। अरे नहीं मारेंगे, जल्दी बताओ यार, बहुत पक्का? हाँ इधर देखिए, दो दिन लग जाएंगे। पक्का? पक्का, पक्का। नहीं तो दो दिन में ठीक नहीं होंगे ना, छोड़ेंगे नहीं साले। चला दो दिन का और तकलीफ हो, दिवाली मनाइए ना, तकलीफ तो होगी। अरे अरे राजा, अरे राजा, राजा देख तेरे मामा का तार आया है और तुमको बुलाया है। तुझे कैसे पता चला? हमने ही तो भेजा। क्या? नहीं मेरा मतलब है कि हमारे पास भेजा नहीं है का? जो मालूम नहीं पड़ेगा कि तार आया तो तुमको बुलाएंगे, बात कोई गंभीर होगी। मैं नहीं जा सकती। तुम नहीं जा सकती? तुम अपने भाई के लिए नहीं जाओगी? अरे, अरे ये क्या कह रहा है? मैं समझ जाता हूँ, तुम अपने भाई के लिए नहीं जाओगी? मैं कैसे भूल सकता हूँ माँ, ये तुम्हारे वही भाई है जिनके साथ तुम बचपन में खेला कूदा करती थी, ये तुम्हारे वही भाई है जिनकी कलाई पर राखी बांधते समय तुम उनकी लंबी उम्र की प्रार्थना करती थी, ये तुम्हारे वही भाई है जो तुम्हारी एक आवाज के ऊपर नंगे पाँव घर में दौड़े आते थे, और आज तुम उनके बुलाने के ऊपर चप्पल पहनकर जाने को तैयार नहीं हो। घोर अनर्थ, मैं तो कहता हूँ कि प्रेम का भंडार धार हो गया। अरे हाँ मैं एक काम करती हूँ, मैं उस पगली को साथ लेकर जाती हूँ, ठीक है? अरे उस पगली को लेकर कहाँ जाएगी? उसको छोड़ के जाओ, हम संभाल लेंगे उसको। कौन तू? तू इसे संभालेगा? अरे हमारे बोलने का मतलब है, हमारे बोलने का मतलब है कि वो अंदर रहेगी, हम बाहर रहेंगे, ताकि नारी की नारी रहे, ब्रह्मचारी का ब्रह्मचारी रहे। जुक जुक की हो रही मेरे लल्ला, अब मैं निश्चिंत होकर जा सकती हूँ। ठीक है माँ, तुम जाओ, तुम जल्दी जाओ, जल्दी 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 जाओ, जल्दी जाओ, और हो सके तो तनी देर से आना। माँ जी, माँ जी, माँ जी। कौन रंगे वृंदावन बनवा, कौन रंगे यमुना के सराधा, राधा किसको ढूंढ रही हो? माँ जी कहाँ है? माँ जी तो प्राजी के पास गई है। प्राजी कहाँ है? प्राजी दाराजी के साथ कुश्ती लड़ रहे हैं।
मुझे भी कुछ नहीं देखनी है, दिखाना मुझे कुछ भी, दिखाओ ना। अरे पीछे आओ तनी, अरे आओ दिखाते हैं। देखा साड़ी में मैं, वाह 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 वाह, तुम कहाँ खाओगी? मैं ना गोला खाऊंगी, गोला खाऊंगी। तो जल्दी से जरा के बैठ जाओ, चलो चलो वहाँ जल्दी से, वहाँ से दरवाजे से अंदर आके बैठ जाओ। चलो ये तो वही लड़की है। कौन सी वाली? अबे वही गैंग वाली जिसने मेरे पे गोली चलाई थी। अरे हाँ, और लड़का भी साथ में वही है। ये यहाँ क्या कर रहा है? मैं आ गई। अभी गोला लेकर आते हैं। सबूत छोड़ने आया है। चलो चलो यही बैठे रहना, यहाँ से कहीं मत जाना, ठीक है? दो दो गोले, दो 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 दो, दो, दो गोले। गिरफ्तार। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? अच्छा, ये सवाल तो हमें करना चाहिए था। हम तो पब्लिक है, कभी स्टेशन पर आते हैं, कभी गार्डन में घूमते हैं। हम भी पुलिस है, कभी स्टेशन पे रहते हैं, कभी गार्डन में घूमते हैं। अच्छा, तो आप लोग ड्यूटी कर रहे हैं? नहीं नहीं, हम लोग ड्यूटी करते कहाँ है? चोर के चाचे। अरे भागे, पकड़ो, इसको नहीं पकड़ना। अबे इसको पकड़ा था पुलिस स्टेशन में, क्या हाल किया था इसने? सबूत पकड़ो, सबूत। राजा बोला लेके आएगा। लेकिन लेकिन लड़की पे हाथ डालने से पहले कोई तो कानूनी सबूत चाहिए कि नहीं? तो फिर वारंट लेकर आते हैं। चलो। हाँ, सर ये क्या कर रहे हो? ट्रेन चली गई तो लड़की भी चली जाएगी। अबे ट्रेन चल पड़ी तो उसको बोल देंगे कि कूद जा। हाँ, ट्रेन चले तो कूद जाना। अच्छा हाँ, मैं कूद जाऊंगी। अरे राजा, हमने तो नादों के ऐसे ऐसे आइडिया दिए हैं भैया, ऐसे ऐसे कामयाब आइडिया, देखना तुम। वो तो क्या, उसके परिश्ते भी नादों के यहाँ नहीं आ पाएंगे। अरे अनवर भैया, आप कमाल है, कमाल भी इतना कमाल नहीं होगा बोल रहे हैं आपको। अरे हमने आपके आइडिया के अनुसार उसको ट्रेन में बैठाया, ट्रेन हमारे सामने चल पड़ी और हम बोले अनवर भैया हम तोरा एहसान कभी नहीं भूलेंगे। अरे तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? आवाज को क्या हो गया? अरे एहसान तो लेते जाओ। अरे कहाँ जा रहे हो अनवर भैया? एहसान तो लेते। अरे कौन आ रहे? अनवर एक मिनट, यहाँ आओ। एक बतिया बताओ, तुम हमारे साथ स्टेशन पर गई रही, ट्रेन में चढ़ी, ट्रेन निकल पड़ी, तो तुम कैसे बाहर निकल पड़ी? मैं कूद पड़ी। अरे हमारी किस्मत फूट गई यार। ए अनवर, ओ फकीर बाबा, फकीर बाबा एक मिनट रुको, हमारे लिए जरा दुआ कर दो। अब तक जितने भी आइडिया दिए मैंने राजा भैया को, सफल आप हो रहे हैं नाथों के। इस बार जंगल जाने का आइडिया दिया, ये आइडिया फ्लॉप नहीं होना चाहिए, वरना मुझे जंगल जाना पड़ेगा नाथों के। का हरा भरा जंगल हो, का पत्थर है। यहाँ बैठ जाओ, बैठो बैठो तो सही, बैठा तुम भी बैठो। नहीं नहीं, अपनी आंखें मिट लो। चलो हम लोग लुका छुपी खेलेंगे ना भाई, आंखें बंद करो, फिर हम छुप जाएंगे, फिर तुम बुलाओगी, हम आ जाएंगे, ठीक है? चल मैं आंखें खोलूं? अभी नहीं। मैं खोलूं। अरे अभी नहीं। मैं खोलूं? अरे अभी नहीं। मैं खोलूं? कभी नहीं भैया। एक मिनट जरा नजर मार के देख ले फरिश्ते। नजर मार के कहाँ देख रहे हो? बोला ना राजा भैया, हमने तो ऐसे कमाल कमाल के आइडिया दिए। अरे वो तो क्या, उसके फरिश्ते भी नहीं आ पाएंगे वापस ना ढोके। अरे अनवर भैया, हम बोल रहे हैं आप कमाल है, बल्कि कमाल भी इतना कमाल नहीं होता है। अरे जिस तरह जंगल के बीच में उसको छोड़ गया है, वो तो कहा उसके फरिश्ते। अरे आज के बाद कोई आइडिया नहीं दूंगा नालोगे। एक मिनट, इधर आओ, यहाँ आओ। एक बात बता, हमने तुमको जंगल में छोड़ा, तुम्हारे पास हाथी था ना घोड़ा, फिर तुमको यहाँ लाकर किसने छोड़ा? वो भौभौ है ना, हरि प्रसाद, रामलाल का कुत्ता। उसके पीछे पीछे मैं आ गई। अरे भगवान, इस गांव में आदमी तो आदमी, कुत्ते भी हमारे नसीब के पीछे पड़ गए। हमको कुछ सोचना पड़ेगा। राजा, हम यहाँ क्यों आए हैं? कुछ नहीं, वो जंगल वाला आइडिया फ्लॉप हो गया ना, इसलिए बस में कुछ ट्राई करना है। अरे तुमको तो माजी से मिलना है ना? हाँ, तो ये बस तुमको माजी के पास ले जाएगी, ठीक है? चलो बस आ गई। अब तुमको माजी के पास जाना है ना? हाँ, माजी पटना में है। पटना क्या है? पटना तुम जैसों को सुधारती है, ये बस तुमको वहाँ पहुँचा देगी। जाओ माजी के पास, जा जा जा। मैं माजी के पास जा। ले ले ले, भैया रास्ते रास्ते में रुके तो इनको मूंगफली खिला देना। चल अबे चल जल्दी जा।
बढ़िया बढ़िया। प्रणाम 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 पाए लगे भैया। बच गए। जय पटना। अरे ओ राजा जी, छोड़ आए उस पगले को? तो क्या हुआ, हम लोग है ना? अरे तुम लोग दोनों के लिए भी एक बस ढूंढने के बहुत जल्दी क्या बात करती हो? भाग गए। आज मैं आजाद हो गया हूँ, गुल से गुलिस्तान हो गया हूँ। मिलेगी पगली कभी ना, ओ मिट्टू मियां छोड़ के आए हम उस गली माँ 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 माँ। तुम कब आई? और हम कहते हैं कि मामा जी कहाँ हैं और कैसे हैं? अरे तुम्हारे मामा की तबीयत तो घोड़े जैसी मजबूत है। अरे अरे मामा, वाकई तुम तो घोड़े की तरह लग रहे हो। दरबे से कब आ रहा है? मेरे मतलब गांव से कब आए? मालूम है तुमको माँ कितना परेशान हो गई थी और तुम्हारी तबीयत के बारे में सुन के सुख करादा हो गई थी, मालूम है? और तुम्हारे तार सुन के दिल के तार इनके हिल गए थे। अरे बेटा, इसीलिए तो हमेशा के लिए मैं यहाँ आया हूँ, ताकि तुम्हें मेरी चिंता न रहे और मुझे तुम्हारी। बहुत बढ़िया किया मैं, बहुत अच्छा किया। राधा कहाँ है? राधा कौन है? वो आधा है और अब तो पूरी हो गई है, सुबह से ढूंढ रहे, पता नहीं कहाँ चली गई है। अच्छा, इसीलिए तू नाच गाना कर रहा था? क्यों? कौन नाच गाना कर रहा था? अरे हम तो दुख में तांडव मना रहे थे। सुना भैया, मेरा लाडला बेटा दुख में तांडव कर रहा था, अब हम इसे क्या कराएंगे? भांगड़ा। भांगड़ा? लेकिन क्यों? उससे झूठ बोलता है। अरे बोल बोल रहा है। लग रहा है, लग रहा है। अरे अरे क्या बात बोल? अरे सुनिए, अरे वो पगली 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 फिर से पगली कहाँ से आ गई यहाँ पर? अच्छा, जिस बस में तुमने उसे छोड़ा था उसी बस से हम वापस आ रहे थे। अच्छा, जगत 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 भगत 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 भगत, आई एम ब्रह्मचार्यम, यू आर एक नारियम, यू आर एक नारियम, आई एम ब्रह्मचार्यम, आर्यम कटारियम, कटारियम मारियम, मारियम मारियम खींच के मारियम। अरे पागल हो जाएंगे सबके सब। पंडित जी, अगर हमने आपकी बात नहीं मानी तो आप नरक में जाएंगे। जजुमान, अगर आप लोग नहीं मानेंगे तो हम क्यों नरक में जाऊंगा? इसलिए कि हम सबको सही रास्ते पर लाना आपका फर्ज है, है कि नहीं? वो तो है। तो हमारी मैया को समझाइए कि बगैर किसी रिश्ते के जवान लड़की को जवान लड़के के घर में रखना बहुत बड़ा पाप है, है कि नहीं? नहीं, हा? घोर पाप है। छाया माया जी, हमको आपसे ये उम्मीद है कि इस कार्य में आप हमारा साथ देंगी। बोलो राजा। धन्यवाद, जल्दी निकलो यहाँ से, नहीं तो पकड़ लेंगे। देखो राजा बेटा, हम सब तुम्हारे साथ। अरे भैया, ऐसे बोलने से कुछ नहीं होगा, साथ घर चलना पड़ेगा। चलिए ना। तो चलो ना। चलो। अरे क्या हो रहा है, आप लोग घर में क्यों घुस के आ रहे हैं? अरे डेमोक्रेसी कहाँ है? अरे क्या हो रहा है? अरे हो क्या रहा है? अरे आप लोग रुकिए एक मिनट। अरे एक मिनट बताओ, गलत मत करना, एक मिनट ठहरो। घर में कोई आग नहीं लगाएगा। एक मिनट ठहरो, एक एक करके बात करो, बोलो बात क्या है। क्यों नहीं रह सकती? हाँ, ये लड़की गांव में रहेगी तो गांव का पतन हो जाएगा क्या? ये नर्क में चले जाएंगे, दोजख में चले जाएंगे, होगा क्या बिचारी रहेगी तो? क्योंकि समाज के कानून और नियम के खिलाफ है, धर्म के विरुद्ध है। हाँ, ये लड़की अगर इस घर में रहेगी तो गांव के हर घर में जवान लड़कियां आ जाएंगी। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा पॉइंट है, मेरी खोपड़ी में नहीं आया। कैसे, कहा बात कर रहे हैं? अरे अरे, मेरी बहन ने एक बेसारा को सहारा दिया है। ऐसे तो गांव के सारे मर्द बोलेंगे, जितनी भी बेसारे लड़कियां हैं हम उनको उठा के अपने घर ले आएंगे, ना दोगे? नहीं नहीं, ऐसे मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसे तो ये सब बोले, ना दोगे? बोलो भाई, क्या बात कर रहे हैं, ये सब ऐसा बोल रहे हैं? अरे तो बहुत बड़ा पॉइंट है। अरे काहे का पॉइंट है राजा भैया? दुलारी बहन, मैं तो बोलता हूँ लड़की को गांव से बाहर निकाल दो। अच्छा सुनो, अरे एक मिनट, गांव वाले जब खिलाफ हो गए तो कुछ सुनने वाले नहीं है, इसको बाहर निकाल दो। देखो बेटा, तूफानी हवाओं के डर से कोई दिया जलाना छोड़ तो नहीं देता। सुनो, जब तक मैं इस घर में जिंदा हूँ ये इसी घर में रहेगी, समझे? जिस लड़की से रिश्ता ना हो, नाता ना हो, उसे घर में नहीं रखना चाहिए दुलारी बहन। अरे हाँ मेरी बहन। चुप कर, मैं तेरी माँ हूँ। हाँ तो आप लोग जानना चाहते हैं ना मेरा और इसका क्या रिश्ता है? मेरा और इसका बहुत करीबी रिश्ता है। भगवान से डरो माँ, झूठ मत बोलो। अरे? सारी दुनिया जानती है इस पगली को सड़क से उठा कर ले आई हो तुम। क्या हम इस रिश्ते का नाम जान सकते हैं? हाँ हाँ बोलो, हमें भी पता चले क्या रिश्ता है। हाँ? अरे जब एक गाँव में रहकर राजा का हमारे साथ कोई रिश्ता नहीं, तो इस पगली से क्या रिश्ता? हाँ? हाँ?
ये मेरी होने वाली बहू है, समझे? अरे बजरंगबली, अरे मुंह बाहर रखो, क्या बात कर रहे हो? आशीर्वाद मांगा तो दे रहे हैं, आशीर्वाद। राजा बेटा, तुम्हारी शादी होगी इसी से होगी और बहुत धूमधाम से होगी। अच्छा अनुवाद, अनुवाद भाग गया? हाँ भाग गया। भाग गया? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। रेवड़िया, तुमको बहुत अच्छी लगती है ना? जब मैं बच्ची थी तब मुझे अच्छे लगते थे। अच्छा। अब मैं ये सब खाने जाऊंगी तो मेरे सारे राग गिर जाएंगे बेटा। चूरा करके देंगे आपको। माँ, मेरी प्यारी माँ, मेरी अच्छी माँ, चलो हम आपको लेकर चलते हैं अमरनाथ की यात्रा पर। वहाँ से काशी जाएंगे, फिर वहाँ से मथुरा जाएंगे, फिर वहाँ से तुमको तिरुपति ले चलेंगे, फिर कन्याकुमारी जाकर लौटेंगे, संपूर्ण भारत दर्शन कराएंगे। चलो ना माँ। अच्छा, देखा मेरा बेटा कितना समझदार हो गया। क्यों रे बेटा, एकदम माँ के मोक्ष के बारे में क्यों सोचने लगा? अरे कैसी बात करती हो माँ, क्यों ताना मार रही हो? काम तुम्हारा ख्याल नहीं रखते का? अरे बेटा, माँ का ख्याल बेटा नहीं रखेगा तो और कौन रखेगा? माँ चलो ना, माँ चलते हैं, चलो फिर चलते हैं, चलो चलो। जाएंगे जाएंगे बेटा, एक बार तुम्हारी शादी हो जाए ना तो बहू को साथ लेकर जाएंगे। अरे तुम सौतेली माँ तो नहीं हो? देखो बेटा, तुम्हारी बापू को भी सभी पागल कहते थे। बापू? पर वो पागल थे नहीं। अच्छा? उन्हें पागल बनाया गया था, मैंने उनसे शादी की थी, उन्होंने मुझे जिंदगी भर खुश रखा था। उनके संपूर्ण जीवन के बारे में जिसने सही सही भविष्यवाणी की थी, उसी ज्योतिष ने मुझे कहा था कि हे देवी, तुम्हारे बेटे की जिंदगी में एक पगड़ी आएगी, इलो। बाद में वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, पर एक बार उससे शादी होने के बाद तुम्हारा बेटा राज करेगा, राज। सारी दुनिया उसे कुबेर पुत्र कहेगी बेटा। ये कौन ज्योतिषी की बात है माँ, जो बरसों पहले मुझे बर्बाद करके चला गया? तेरे जन्म से पहले आया था। नारायण। अच्छा? नारायण। बताइए, एक जन्म से पहले आए थे, एक जन्म के बाद आ गए? आइए प्रभु, सर पर बैठिए। हम गिर जाएंगे। नहीं, फिर भी ट्राई कीजिए, हम यही ठीक हैं। अच्छा, हमने राजा की कुंडली देखी। काहे देखी? शादी का मुहूर्त देखा। आपकी आँख काहे नहीं फूट गयी? चुप रहे पंडित जी, कब का मुहूर्त निकला है? कल का। अरे कल काहे को? क्योंकि जजमान, अगर आपका विवाह होगा तो कल ही होगा, वरना पूरे जीवन में आपके विवाह का योग नहीं है। अरे ये तो बहुत ही शुभ बात है, क्योंकि एक दिन में शादी तो दूर, तलाक भी नहीं हो सकता। हो सकता है, एक दिन में शादी हो सकती है, सारे गांव को मैं इकट्ठा करूंगा। हे भगवान, जिस घर में रामायण की कैकई और महाभारत के शकुनी दोनों एक साथ रहते हो, पता नहीं उसकी महाभारत क्या होगी। राजा, राजा मेरी शादी है। अरे आज से, अरे कहाँ? क्या कर रही है बेटी? इधर बैठ, इधर, छोटी है ना। पंडित जी, जल्दी जल्दी कीजिए। अरे क्या कर रहे हैं? आराम से आराम। क्या कर रहे हैं भैया? शादी एक बार होती है। हमारा शेड्यूल बहुत टाइट है। तो उसको ढीला कीजिए भैया, शादी तो बार बार नहीं होगी ना। अरे भाग्यम भैया, जल्दी भाग्यम, ये देखो भाग्यम। छाया, बोलो माया, तुम वही देख रही हो जो मैं देख रही हूँ? यस माया, मैं वही देख रही हूँ जो तुम देख रही हो। राजा। अनवर। अनवर। ही आओ भैया, ही आओ। अरे आ रहा भैया, ना रोके। अरे नहाने धोने में टाइम वेस्ट मत करो भैया, जल्दी आओ। बोलो भैया। डाकू लोग कब आएंगे भैया? टाइमिंग के सेंस हो कि नहीं? अगर ये लोग नहीं आए तो सबको मार के डाकू बन जाएंगे। ये तो नाक कटवा रहे ना रोके, मैं देखता हूँ ना रोके। तुम क्या देखोगे? जल्दी बुलाओ भैया। मैं देखता हूँ ना रोके, जल्दी देखो। अगर किसी ने यहाँ हिलने की कोशिश किया, हमारे काम में टांग अड़ाने की कोशिश किया, तो ये शादी मातम का मंडप बन जाएगा। हम यहाँ दुल्हन का अगवा करने आए हैं। दुल्हन नहीं, दूल्हे को। दूल्हे का? चल। अरे हमको अगवा करना है? हाँ तो ठीक है, हम तैयार हैं, चलो चलो निकलो। हम ही ले जा रहे हैं, हमको, हम जा रहे हैं, ठीक है। इसको ले जाने से पहले मेरी लाश पर से गुजरना होगा। एक गोली मार इसको। नहीं, ले जा ले जा। अरे नहीं, ऐसा मत करो, एक मिनट। अच्छा भैया, हम चलते हैं। हाँ, अब मैं चलता हूँ। राजा, मुझे भी ले। अरे तुमसे तो बच के भाग रहे, पागल है क्या?
अरे जल्दी निकला भाई, एक मिनट रुकना नहीं यहाँ पर, मत मारो। चलो जल्दी चलो, चलो उससे संभालो। चलो भैया जल्दी चलो, हम बैठ गए। राजा, राजा। चलो भैया थोड़ा दिन आराम से कटेंगे। मुझे पैसे कौन देगा? अरे वाह भैया, कमाल हो गया। अरे बंधु, आपने हमको लगन मंडल से उठाकर हमको बहुत बड़ा एहसान किया है। हम तो दुआ करते हैं कि आज जो है इस इलाके की पुलिस आपके पीछे पड़ी है, मगर आने वाले दिनों में ये राज्य की पुलिस आपके पीछे पड़ जाए भैया, बल्कि देश की पुलिस पीछे पड़ जाए, बल्कि आपकी जान के पीछे मिलिट्री नाद होकर पड़ जाए। आज पांच क्या हुआ? तुम हमको दुआ दे रहे हो, बद्दुआ दे रहे हो? ये तो दुआ ही रहते, कहिए तो हम स्टाइल चेंज करें थोड़ा दुआ। नहीं लल्ला, उसकी वजह ये है कि तुम पहले नर प्राणी हो जो अपने अगवा होने की खुशी बगले बजा बजा के बगार रहा है। क्यों? अरे उसकी दो वजह है। अच्छा। पहली तो ये कि आपने हमारे दो फायदे कर दिए। पहला ये कि हमारा ब्रह्मचारिया बच गया, और दूसरी बात ये है कि हमारी भोली माँ अपने भोलेपन में ही सोच करके हम कुबेर पुत्र बन जाएंगे, एक पगली से हमारी शादी कर रही थी। पगली? अरे देखा वो राधा, समझे? राधा तुम्हारी बहन थी ना जो पगला गई थी। तूने मेरी बहन राधा पगली से शादी से इनकार किया? लेकिन इनका कनेक्शन राधा से शादी का इनकार किया? अरे ये थोड़ी तुम्हारी बहन है। हमारी बहन की वजह से हम डाकू बने हैं। हमारा होने वाला जीजा लगन मंडप से उठ के चला गया रे। अब तो ये पगली की शादी होगी तेरे साथ। अरे उस राधा का इसके साथ क्या ताल्लुक है? अरे दुनिया की हर पगली हमारी बहन है, हर राधा हमारी बहन है। राधा की शादी होगी और तू करेगा। क्या बात कर रहे हो? करेगा। ठीक है। राजा, मेरा राजा वापस आ गया। पंडित जी, अस्थान देवता भ्यो नमः, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरु दत्त, मंगलम पुण्डरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। चलिए जीजा जी। किसको बोल रहे हैं भाई? जीजा जी को बोल रहा हूँ। अच्छा, उठ के शादी करो। चलो उठो, देख ले माई, नहीं पड़ेगा। तेरे जिगर के टुकड़े को सही सलामत ले आया हूँ, उसके जिगर पर जिस्म पर एक भी खराश नहीं है। चले पंडित, मंत्र शुरू कर। जीजा जी सर पे फोड़ दे, फिर लेने का उठने का। चलो शुरू करो। चलो मेरी बहन, धीरे से बेटा, धीरे से। अरे उठो यार। हे भगवान, जल्दी मंत्र पढ़ो। कितना दिवस चल रहा है, क्या हो रहा है? जीजा, एक बात का ध्यान रहे भैया, ये डाकू माधव सिंह की बहन है, कोई तकलीफ ना हो, वरना जानते हो ये बंदूक की गोली है, जिस्म के आर पार हो जाएगी। इसको अपने अंदर रख लो भैया, समझ रहे हो? और अपना काम करो, सब ध्यान रहेगा हमको। बात करते हैं। नादान जीजा को शिकारी की ताकत। चुप कर यार, इधर लाइव खराब हो रही है। डालो को डाला हमारा बक भाई ना। वो अंदर आएगा और दरवाजा बंद करेगा तो मैं दरवाजा खोल दूंगी। ओह बेबी, नो नो, दरवाजा खोलने का नहीं है। वो अंदर आएगा, बत्ती बंद करेगा और तुमको बहुत प्यार करेगा। कैसे? माया। ओ नो छाया, जैसा तुम सोच रही हो राजा तो बिल्कुल ऐसा नहीं करेगा। ओ नो, माजी ने तो उसकी शादी जबरदस्ती करवा दी है, सुहागरात भी तो उसे ही मनाना है। वो तो कोने में जाके सो जाएगा। ओह माय गॉड, फिर तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। इसका मतलब है इसे ही सब कुछ करना पड़ेगा। अच्छा माया, हम लोग मिलकर इसको ट्रेनिंग देते हैं। ओके, तुम इसको समझाओ। ओके। राजा। ओ राधा, अरे ये का सारी है के नारी है के नारी है के सारी है के सारी बनी नारी है के नारी बनी सारी है के सारी में दूसरी नारी है के नारी का। अरे का है? अरे सुहाग रात वाले दिन पति अपने कमरे के अंदर आता है और दुल्हन का घूंघट उठाता है, मगर तुम तो पहले से ही एयर कंडीशन अवस्था में हो, ये कैसे हुआ? मैंने किया। तुमने? तुमने कैसे कर दिया राजा? उसने सब सिखा दिया। किसने? कौन आया था? किसने कहा सिखा दिया तुमको? छाया माया ने। छाया और माया ने तुमको सिखा दिया सब? सब? हे भगवान, जिसकी गुरु छाया माया हो उसकी चेली कैसी होगी? अरे देखो, हम ब्रह्मचारी आदमी हैं, हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं, पांव पड़ते हैं, बड़ी मुश्किल से हमने धर्म बचाया है। अधर्म, अधर्म क्या कर रही हो? देखो, देखो वर्षानुवर्ष की तपस्या है,
खराब ना हो जाए। अरे क्या कर रही हो, अरे सब टूट रहा है ब्रह्मचर्य। गलत फहमी में जी रहे हो आप लोग। क्या मतलब? आप लोग क्या सोच रहे हो, अगर प्रतिभा गायब होगी है तो आप इस दौलत के मालिक बन जाओगे? बिल्कुल नहीं। अगर प्रतिभा ना मिली तो सारी प्रॉपर्टी को सरकार अपने कब्जे में ले लेगा। हाँ इतना ही नहीं, पुलिस तुम लोगों की इंक्वायरी भी कर सकती है। क्यों? क्योंकि प्रतिभा के गायब होने में तुम लोगों का हाथ भी हो सकता है, ऐसा पुलिस मानेगी। अरे क्या बात कर रहे हो आप? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, इसलिए मेरी बात को समझो और प्रतिभा को जल्द से जल्द ढूंढो बस। मैंने पहले ही कहा था, तुमसे पहले मैंने कहा था। अरे मैं बंद करो और प्रतिभा को ढूंढने का बंदोबस्त करो। मेरे पास एक आइडिया है, ढूंढने के लिए हेलीकॉप्टर ले लेते हैं, पैसे दो। ये जैसे पैसे मांग रहा है वैसे मंदिर के बाहर एक एक को कटोरा लेके खड़ा रहना पड़ेगा भीख मांगने के लिए, अगर प्रतिभा ना मिली तो। ये तू क्या कह रहा है अरुण? सच कह रहा राजा भैया, आग लग गई है भूसा में और माली का कुछ पता नहीं है। अरे तू कहना क्या चाह रहा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माँ को कुछ नहीं हुआ है? ऊपर वाले का खेल देखो बेटा, जिस पगली की जान तुम्हारी माँ ने एक दिन बचाई थी, आज उसी पगली ने तुम्हारी माँ की जान बचा ली। वो देख उधर उधर। माँ राजा, तू ठीक है ना माँ? अरे देखो बच गई मैं, रोता क्यों है रे, रोता क्यों है रे? नहीं नहीं, तू क्या मार रही रे? अरे सुन सुन, अरे सुन तो सही भैया। अरे रे, अरे तूने ही तो बचाया ना। साथ निभाए एक ऐसा बंधन बन जाओ, मैं बन जाऊं प्यार भरा दिल, मैं बन जाऊं प्यार भरा दिल, तुम दिल की धड़कन बन जाओ, तुम दिल की धड़कन बन जाओ। जन्म जन्म साथ निभाए एक ऐसा बंधन बन जाओ, मैं बन जाऊं प्यार भरा दिल, तुम दिल की धड़कन बन जाओ, तुम दिल की धड़कन बन जाओ। निभाए एक ऐसा बंधन बन जाओ, एक ऐसा बंधन बन जाओ।
लूटे में आओ चलो हम ऐसे आज समा जाए ऐसे आज समा जाए। मैं बन जाऊं सांस तुम्हारी ओ मैं बन जाऊं सांस तुम्हारी तुम मेरा जीवन बन जाओ तुम मेरा जीवन बन जाओ। जन्म जन्म जो साथ निभाए एक ऐसा बंधन बन जाओ बन जाऊं प्यार भरा दिल मैं बन जाऊं प्यार भरा दिल तुम दिल की धड़कन बन जाओ तुम दिल की धड़कन बन जाओ। अरे कहाँ जा रही है मेरी दोनों प्यारी प्यारी बहनें? क्या प्यारी प्यारी बहनें? एक काम तो नहीं हुआ आपसे? कौन सा? राजा की शादी हमारी आंखों के सामने पगली की मान हो गई और आपने कुछ भी नहीं किया और शादी में भी रोना हमें पड़ा एंड दैट्स टू आपके होते हुए ब्रदर जा रहे हैं हम अपना बंदोबस्त करने और आप यहाँ बैठ कर सिर्फ शराब पीजिए। कम ऑन पागल ही है कि तू जंगलों के फॉरेस्टरी करते करते खुद भी जंगली जानवर होगा नरेंद्र बाबू और मारो उसे राजा। इले मार साले को चलो राजा भैया के बारे में आज कुछ मत पूछो अनवर वो आज जिम्मेदार आदमी बनके बड़ी मुहिम पे गया है। राजा भैया
जिम्मेदार बड़ी मुहिम। अरे ऐसे कैसे कहाँ चलेगा नहा धोके। हराम बैठो बैठो। देखा चौबे भैया, हाँ हमारी हो गई है शादी। हाँ और अभी पहले वाला इमोशन हमें रहा नहीं। लेकिन राजा भैया आपका प्यार कुछ प्यार व्यार सब उड़ गया है पंछी बन के। हमारे पैसे चुपके से लौटा दो भैया वरना गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन हमारी बीवी बहुत चिकनी लग रही है। हाँ कभी कभी गलती से लगती भी है। हाँ लगती है होंगी हुआ करे। हाँ मगर इनके पास 25 जोड़ी साड़ी पहनने के लिए है और हमारी पत्नी के पास केवल 2 जोड़ी है। ओह और ये तुम्हारे पास ये टीवी है देखने के लिए तुम्हारे बच्चों के लिए। हमारे घर में ट्रांजिस्टर भी नहीं है। हम इसको उठा के ले जा रहे हैं, हमारे इलाके के बच्चे देखेंगे इसको जब तक तुम हमारे पैसे लौटा नहीं देते। ठीक है लेकिन आप लोग मेरी बात समझ नहीं रहे। मैं कहता हूँ ढूंढो उसे, जल्दी ढूंढो उसे। सारे पुलिस थाने अस्पताल मॉर्ग सब चेक कर लिए, प्रतिभा का कहीं पता नहीं चला। एक ही रास्ता है भाई साहब, देश के सारे अखबारों में एड छपा दो और टेलीविजन पर न्यूज दे दो और खबर देने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दो। 1 लाख अपनी जेब से थोड़ी जा रहा है। पर वो लड़की होगी कहाँ? क्या आपने इन्हें देखा है? इनका नाम है प्रतिभा साहब। ए जी देखो, गांव के सारे बच्चे हमारा टीवी देख रहे हैं। दीदी हमारे बच्चे भी तो देख रहे हैं। तुम वो मत देखो जो बच्चे देख रहे हैं। फिर? तुम वो देखो जो टीवी पे नजर आ रहा है। गौर से देखिए, ये प्रतिभा साहनी की है। इनके बारे में सूचित करने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। नंबर है 2620-6909। हेलो हेलो, कौन? हाँ मैं चौबे बोल रहा हूँ, सारंगपुर से। रॉन्ग नंबर? अरे रॉन्ग नहीं, सब राइट हो जाएगा अगर आप मेरी बात मानोगे तो। आपकी भतीजी जिसको आप ढूंढ रहे हो हमारे गांव में। क्या? हाँ इनाम मिल जाएगा। तो कब आ रहे हो? कल। कल? कल क्यों, आज क्यों नहीं? अरे बोला ना कल। अच्छा ठीक है, कल आ जाना। राजा भैया रश्मि, राजा भैया को देखा क्या तूने? राधो के राजा भैया आज तो दिखे नहीं सुबह से। राजा भैया। अरे क्या हुआ? अरे ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए आपको। वो राधा भाभी को कुछ लोग अपने साथ ले गए। कौन लोग? वो कह रहे थे उनके रिश्तेदार है राधो के। चलो इस बात से इतना तो पता लगा कि उसके कोई रिश्तेदार है, मगर लेकर कहाँ गए? वो मुंबई ले गए उनको। अरे मुंबई तो बहुत बड़ी है, ढूंढेंगे कहाँ? अभी बोल राजा भैया हम साथ चलेंगे। अरे भैया कहाँ बात कर रहे हो, हम अपनी पत्नी को ढूंढने जाएं कि आप लोगों का बोझ उठाएं? चलो चलते हैं। सामान अंदर रखवा दिया। हाँ धन्यवाद। राजा भैया हमसे एक आइडिया ले जाओ, जाते जाते नहा धो के। तुम अपना आइडिया अपने पास रखो, बगैर नहाए धोए हम आशीर्वाद देते हैं। हम ले लेते हैं। प्रणाम माँ। जो ना राजा। हाँ राजा हम भी तो है, हमें छोड़ के वहाँ क्यों जा रहे हैं? ये क्या कर रहे हो? प्रणाम कर रहे हैं अपने गांव की धरती को। अच्छा माँ चलते हैं। राजा वो लोग हमारी घर की लक्ष्मी को ले गए हैं, उसे जरूर वापस ले आना। हाँ बेटा बेफिक्र रहो, हम जरूर वापस लेकर आएंगे। अरे चौबे जी। हाँ जी। जरा यहाँ। हाँ जी हाँ जी। देखिए अगर पैसे की जरूरत पड़ जाए ना तो माँ जी से ले लूंगा मैं। मामा जी सांप नजर आए, ये आदमी नजर आए पहले इसको मारिएगा, समझ रहे ना आप? अच्छा हट जाओ भैया। आदाब चाचा। जाना बेटे। अच्छा भैया। हाँ रखेंगे भैया। राजा
हेलो हेलो। हाँ मैं छोबे बोल रहा हूँ सारंगपुर से। वो राजा भैया ट्रेन पकड़ कर बंबई चला गया। ठीक है आने दो। हाँ मेरा इनाम पहुँच जाएगा। अच्छा तो ये सारी खबर देता है शहर में। किसका फोन था? चौबे का। राजा अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए शहर आ रहा है। अब अरे पहले उसे हमारा घर तो ढूंढ लेने दो। अब देखिए इनका पता ढूंढते ढूंढते अरे भाई कितने धक्के पड़ते हैं। और अकेले एक और पड़ा भैया। बीवी अगर आदमी की घूम जाए तो उसका तो यही असर होगा। लो आ गए। चलो बाहर निकला जाए भैया। चलो दामन तो बचा कहाँ ढूंढे। अबे तो मालिश कर रहा है जूता समझ रखा है। बाबूजी अंदर आ सकते हैं? और कितना अंदर आओगे? घर में घुस जाओगे क्या? अरे नहीं भैया हमें पता पूछना था। हमें ये जानना था कि ये क्या इंक्वायरी काम पर लग रहा है तुम्हें? शक्ल से पोस्टमैन दिखता हूँ तुम्हें। अरे इतना कहाँ भड़क रहे हो? पता ही तो पूछा है। तकलीफ क्यों हो रही है इतनी आपको भैया? अरे मुझे कितनी तकलीफ है तुम्हें क्या पता। अरे रुक यार। दो बीबियां हैं, 8 साले हैं, बस 4 ससुर हैं और 3 सास हैं और 16 बच्चे हैं। उसमें से 12 मेरी किस्मत के हैं और 4 पड़ोसियों ने गले बांध दिए हैं। ये कहकर कि उनकी शक्ल हूबहू मुझसे मिलती है। और यहाँ पहली बीवी कुछ नहीं बोलती और दूसरी चुप नहीं रहती। आधे बच्चे कहते हैं कि पापा हमें गुंडा बनाओ और आधे बच्चे कहते हैं हमें पुलिस में भर्ती करवाओ। अरे कल कुत्ते को ले गया था सैर करवाने। कहाँ से उसने पड़ोसी को काट लिया। पड़ोसी ने आकर मुझे काट लिया। मुझे तो लगता है कि मेरा नाम ही तकलीफ चंद होना चाहिए। रुक जाओ भैया रुक जाओ। देखिए आपकी तकलीफें सुनी बड़ी तकलीफ हुई। वाकई आप तकलीफों के बादशाह हैं। लेकिन अगर आप हमारी तकलीफ सुनेंगे ना तो आप अपनी तकलीफ भूल जाएंगे। और हमको तकलीफ ये है कि हम अपनी तकलीफ ढूंढ रहे हैं। पता नहीं वो कहाँ गायब हो गई। एक बात बताएं, आप ऊपर वाले का बहुत शुक्र मनाइए कि आपको तकलीफ होने की तकलीफ है। क्योंकि तकलीफ ना होने की जो तकलीफ है ना उसका तो आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते। नमस्कार चलते हैं। अरे भैया हाँ वो पता जो था हम बताते। हाँ। वो पता कहाँ है? जो खुद लाभ बताओ वो किसी को पता क्या बताएगा। अपना ख्याल रखना यार। हाँ। लापता? हे भगवान मैं लापता हूँ। ये लो एक और तकलीफ बढ़ गई। डबल शेव कर दूंगे दो भाई साहब। अरे ओ भाई साहब। अरे बोलो भैया कहाँ कटवाना है? अरे कटवाना नहीं यार पता पूछ। अबे सफाचट तू। अरे राजा भैया आप। अरे भैया तू यहाँ कहाँ कर रहा है? लोगों को मुंडने का काम। अबे तू गांव के अंदर तो बड़ी लंबी लंबी हाँक रहा था। हाँ गांव में बोल रहा था कि शहर में धूप चाव मेरे हाथ में, बड़े बड़े लोग आके मेरे सामने सर झुकाते हैं। हाँ तो बिल्कुल सही कह रहा था। देखो अगर सूरज इधर है ना तो धूप और इधर है ना तो छाव। और जब बड़े बड़े लोगों को बाल कटवाना होता है ना तो हमारे सामने सर झुकाना ही पड़ता है। समझ गया भैया गांव के अंदर तुम नमूने थे यहाँ आकर कमीने हो गए। बोली देखो जिंदगी में हर किसी को आगे बढ़ने का हक है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? अरे हम क्या कर रहे हैं यार? हम अपनी पत्नी का पता ढूंढ रहे हैं। आपने शादी कर ली? शादी कर ली? शादी नहीं करेंगे क्या? लेकिन हमें पता ही नहीं। अरे पता नहीं तो तुमको क्या हाथ तोता देते क्या? अरे ये पता बता हमको। अरे ये तो सामने वाला बंगला है। क्या बात कर रहे हैं? देखो राजा भैया अगर कोई तकलीफ हो ना तो हमें बोलना। अरे क्या तकलीफ है? सारी तकलीफ दूर कर दी तुमने हमारी। ए किधर जाता है ये रास्ता? कहाँ जा रहा है? अंदर भी जाता है बाहर भी जाता है। मगर हमारा मुंह अंदर है, हम अंदर जा रहे हैं। हमारे साहब ने बोला है आज किसी को अंदर भेजने का नहीं। अरे तुम्हारा साहब होता कौन है? साहब साहब होता है ना। लेकिन रहेगा नहीं ना? वो है। ए, क्या बात करता है? ज्यादा बात करने का नहीं। एक आदमी को हमने 2 दिन पहले अंदर छोड़ा था, अभी तक बाहर नहीं आया। अच्छा हाँ। बड़ा दयालु आदमी। बहुत दयालु है। घबराओ जब हम अंदर जाएंगे ना तो 2 साल साहब बाहर नहीं आएंगे। क्या बोला? कुछ नहीं हम बोल रहे थे भैया कि तुमने कभी सोने की चिड़िया देखी है? कहा नहीं देखा है। ना ही देखी ना। हम आपको दर्शन कराते हैं। दिखाओ। वो दूर झाड़ देख रहे हैं? वो देख रहे हैं वो आधा कोस दूर, वो पीछे पीछे, वो ऊपर देखिए, ऊपर देखिए और नीचे ख्याल मत रखिएगा। सोने की चिड़िया उधर है, हम इधर है। ये अंदर चला गया। नमस्कार। भारी मर गई। वाकई अगर आप मर गई है तो भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। लेकिन ये कोई उम्र नहीं है मरने की। कौन हो तुम? वॉचमैन? अरे वॉचमैन की कोई गलती नहीं है। हम सहनी साहब का घर समझकर अंदर सीधा घुस गए। ये सहनी का ही घर है। मैं हूँ सुदेश सहनी और ये मेरे बड़े भाई साहब प्रेम सहनी। अरे भैया तो बोल रहे हैं कि दोनों ससुरे ससुरे लग रहे हैं। पाए लागू ससुर जी। पाए लागू ससुर जी। हम आपके दामाद हैं। हमारी धर्म पत्नी को आप लोग हमारी अब्सेंटी में उठा कर लेके आ गए। कहाँ है वो? ऊपर से तोड़फोड़ की आवाज आ रही है, यानी कि हमारी तूफान मेल ऊपर विराजमान है। अरे नहीं नहीं नहीं, वो
तो ऊपर नौकर के हाथ से शायद कोई सामान गिर गया है। प्रतिभा तो बाहर है। तो बाहर कहाँ गई, हमें बता दीजिए, हम बाहर जाके मिलके आ जाते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। रजत, सुजीत, ये दोनों साले कौन है? ये प्रतिभा के पति परमेश्वर है, उसे लेने आए। इन्हें उनसे जरा मिलवा दीजिए। अरे पहले इनको पानी तो पिला दीजिए। अरे मैं लेके चलता हूँ। अरे मैं लेके चलता हूँ। जिस तरह दोनों लड़ रहे हैं हमको कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ये और भी ठीक नहीं लग रहा। अरे तो कैसे चलोगे गुरुदेव? हाँ ये ठीक है, ये दाई को नादी ना कर देंगे, भाई को घिसा दे देंगे, दोनों मिलकर खाओ खाओ खा लेंगे। अरे चल बे, आ जा। तुमने ऐसी हरकत की जो माफी के काबिल नहीं है। तूने हमारे गांव के लड़के की शिकायत शहर वाले से कर दी। अरे इसकी तो पिटाई होनी चाहिए। अरे नहीं, मैं मारो मारो अरे मारो मारो साले है तो साले, लेकिन बहुत बड़े कमीने, हमको अकेला छोड़ गए हैं करने के लिए गड़बड़ घोटाला, मगर इनको पता नहीं किस व्यक्ति विशेष से पड़ा है इनका पाला। आवा आवा, आवा। पहली फुर्सत में इसे शहर से फुटा दो, और अगर नहीं माने तो म्युनिसिपालिटी की खाद पे सुला दो। लेकिन ये रहने वाला कहाँ का है? सारंगपुर का। इसकी अभी जाके सारंगी बजा दो। सारंगी बजा दोगे? बाप ने कभी सारंगी देखी थी? कितने तार होते हैं? अबे साले, हम यूपी के हैं, गाते भी खुद है और बजाते भी खुद है, और ऐसा बजाते हैं कि अगला रो दे। देखो अगर तुम लोग को हमारे साथ लड़ना है तो तुमको हमको पहले छूना तो पड़ेगा ही। तो एक काम करो बेटा, तुम लोग सब मिलकर एक बार हमको छू के बताओ। बताओ चलो। अरे कहाँ गया? अरे कहाँ गया ये? अरे सुन बे सारंगी, आजा इधर, आजा पखावट बजाते, आजा आजा बे। अरे ओए सारंगी, ओ बचुआ, सारंगी नहीं तोड़ोगे? पेड़ पे चढ़ना जानते हो? ये आदमी की बजरंग बली, वो हुआ लटका देंगे तुम लोगों को, डाल पकड़ो उसे, नीचे उतारो, पकड़ के लाए इसको नीचे। अरे सारंगी, नारंगी ढूंढ रहे हो, अतरंगी यहाँ है। अरे आवा हो, आवा चला, जल्दी कराओ, पकड़ो। हेलो, अरे फॉलो मी, आवा। अरे 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 अरे, हमारी गाड़ी तो गई। आओ भैया आओ, आओ आओ। कहो, अरे काशी हिले, पटना हिले, कलकत्ता हिलला हमरी, कमरिया सारी अरे दुनिया हिलला। अब नहीं मिलेगा? क्यों? अरे ऊपर देख। हेलो। अरे भैया नीचे ट्रक के आसपास क्या कर रहे हो दोनों? अरे तेरे को ढूंढ रहे हैं यार। तू है किधर? अरे हम तो प्लेन में बैठा है, हॉस्टेस का बगल चाप किए। मैंने कहा था ना कि इसे ये कपड़े मत पहनाओ। डॉक्टर ने कहा था कि इसे पुराने वाले कपड़े पहनाने से सब कुछ याद आ जाएगा। कहाँ जा रही हो? मुझे माजी के पास जाना है। 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 मैड क्रीचर, यू मैड क्रीचर, चलो चलो तुम अपने कमरे में चलो चलो। कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो? अरे लगता है तुम्हारी चंपी करनी पड़ेगी। चंपी करनी पड़ेगी तुम्हारी। चंपी करो करो करो। अरे अरे पकड़ो सर। सुसु 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 बोल के, अरे सुसु बहुत मौत आ गई। अरे 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 पकड़ो 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 पकड़ो। इस लड़की का कुछ करना पड़ेगा वरना पागल कर देगी हमें। मैं अभी डॉक्टर को फोन करके आता हूँ, पकड़ के रखना। अरे पकड़ो इसे। बस अब पता चला मेरा नाम क्या है? चुप चुप। हेलो 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 हेलो, डॉक्टर दयाल, आपने कहा था कि प्रतिभा का पागलपन घर के माहौल में रहेगी तो ठीक हो जाएगा, लेकिन ये तो हम सबको पागल कर देगी। प्लीज प्लीज डॉक्टर दयाल, किसी किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट को भिजवा दीजिए जो इस घर में रहकर उसका इलाज कर सके। जी हाँ जी
जी क्या नाम बताया? डॉक्टर चंडोला। ठीक है ठीक है, फाइन, थैंक यू, वी आर वेटिंग फॉर हिम। एक्सक्यूज मी दादा, आई वांट टू नो, जो शानी साहब है इसका बंगला की यही है कि बाय द वे माइसेल्फ डॉक्टर चंडोला चटर्जी। आपने बंगाली की? आपने की बंगला जानी? बेसी नो है, एक टू एक टू। अच्छा तो, बंगो बंदू, बंगो बंदू। दादा बोलो, बोलो। दादा, आई वांट टू नो कि ये जो मिस्टर शानी है इसका बंगला की यही है कि अरे डॉक्टर साहब, आप कौन सी सहानी की बात कर रहे हैं? कहीं उनकी तो नहीं जो खुद छोटे हैं उनके बच्चे बड़े? वेल मेबी, आई एम नॉट श्योर। नहीं नहीं सही बताइए, उनकी बात तो नहीं कर रहे जिनकी पत्नी उनकी दादी की उम्र की है? दादा हो सकता, आई एम नॉट वेरी श्योर। नहीं ठीक से बताइए ना, कहीं उनकी बात तो नहीं कर रहे जो अभी अभी पैदा हुए? अरे दादा, हम वो सहानी के बारे में जानना चाहता है जो थोड़ा थोड़ा पागल है वो। अरे तो ऐसा बताइए ना, वो पागल सहानी? पागल सहानी? अरे दादा, यहाँ से तीसरी गली में जाइए, चौथे मकान में पांचवें कमरे में मिलेंगे वो। वो सारा वहाँ पर रहता है, पागल हो गए? अभी जाएगा, छोड़ेगा नहीं उसको। दादा करेंगे क्या? जरा छोड़ेगा की छोड़ेगा नहीं? अरे घोड़े वाला इंजेक्शन जाके ठोक देगा। हाँ, अरे वेस्ट ऑफ लक दादा। ओके दादा। हाँ नमस्कार। उड़ी बाबा चौड़ी चौड़ी। उड़ी बाबा, अरे पागल की तरह तुम्हें पागल है। अरे तुमको मालूम है हमारा नाम है डॉक्टर चंडोला, हमने बड़े बड़े का भेजा खोला, सब पागलों साला हमको देख के भागता है। तुमको एक मिनट तुमको एक बात बोलेगा, हम 50-50 कोस दूर में जब गांव में बच्चा रोता है ना, तो उसको वार्ड में बोलता है जास्ती पागल पना नहीं करना, नहीं तो डॉक्टर चौंडल आ जाएगा। अभी जास्ती हिला नहीं, उल्टा ले जाओ। ए ना चल भाई, एकदम स्टडी करो, एक मिनट। ओके। ए ना चल भाई, बेशी हिला बेना। एक दुई आर तीन। डॉक्टर साहब, ये क्या कर रहे हैं? अरे किन है, तुम चलता है कि गिरता है? कितने गिरोवा आदमी है। डॉक्टर साहब, ये मेरी वाइफ है, पागल तो ऊपर है। पागल ऊपर चला गया? उरी बाबा, इतना छोटा उम्र में ऊपर चला गया? उरी बाबा रे बाबा, बहुत जल्दी ऊपर चला गया बाबा। डॉक्टर साहब, ऊपर मतलब ऊपर कमरे में बंद है? ऊपर कमरे में बंद है? और साला पहले आपको बताया क्यों नहीं? बोले कहा दिया आपको ये पागल लगती है? डॉक्टर साहब, नहीं पागल लगती नहीं, लेकिन दिखती पागल है। अरे छोड़ो उसे, वो पागल जो ऊपर है ना, बहुत खतरनाक है। खतरनाक? हाँ, है। हाँ। अरे खतरनाक क्या बोलता तुम? सार बना हो। अच्छा कुत्ता है किधर? ऊपर। ऊपर है तो बुला उसको। ये कैसा चल रहा है? जो जी तरह डाक सुने क्यों नाचे ताले एकला चलो रे, ताले एकला चलो रे, जो जी तरह डाक सुने क्यों नाचे ताले एकला चलो रे। अच्छी कुदे, अरे एकला चलो रे, अब बाबा एकला चलो, अब बाबा एकला चला। इधर बैठ के सास भी कभी बहुत ही देख रहा है। अरे हम तुमको बताता है कि ससुर भी कभी दबा था और छाछ भी कभी दवाई थी। ए सुजीत नाम है मेरा, प्यार से लोग मुझे सू बोलते हैं। अरे तुम्हारा नाम क्या अच्छा है कि तुम्हारा नाम गुजित नहीं है, ये तो प्यार से लोग तुमको गु बोलता है। पागल है तुम्हें, पागल पागल। अरे हमारा नाम डॉक्टर चंडला है, हमने एक एक पागल का खोपड़ा खोला है। और ये पागल है ना? अरे नहीं पागल नहीं है, ये पागल नहीं है, ये पागल नहीं है, नहीं पागल नहीं है। असल पहला बोलना चाहिए ना, हमने इसको तो मार दिया, बाद में बोलता पागल है। पागल किधर है? पागल बाजू के कमरे में। बाजू के कमरे में? हाँ। अभी देखो हम उसका क्या हाल करता है। ये तो खावे ठीक है, छेड़ दाओ। प्रतिभा, मैं जानता हूँ तुम पागल हो, लेकिन दिल भी तो पागल है। मेरी तो बचपन से हाँ है, बस तू एक बार हाँ कह दे। प्रतिभा प्रतिभा, तू भी पागल, मैं भी पागल, मैं भी पागल, तू भी पागल, बोलना। प्रतिभा 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 प्रतिभा। क्या हुआ? क्या कर रहा है? पागल का इलाज कर रहा है। देखो पहले कितना चलता फिरता हिचकी लेता था, अभी इसका आखिरी हिचकी है। अरे मेरे बाप, लेकिन ये पागल नहीं है। क्या बोल रहा है? ये पागल नहीं है, ये पागल नहीं है, नहीं। तो पहले किसने बोला पागल नहीं है? हमने इसको झटका दे दिया, पागल किधर है? अरे पागल तो उधर साथ वाले कमरे में है। साथ वाले? पहले बोला नीचे है, बाद में सोचा ऊपर है। ये पागल हमको पागल कर देगा, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। उड़ी बाबा, ए पागल, अरे क्यों कर रहा है? अरे अरे क्यों कर रहा है? ए सब सुन जाएगा। अरे आई आई आई, अरे क्यों कर रहा है? आई आई आई, अरे अरे अरे, एक मिनट, हमें राजा। कितना ढूंढा तुमको हमने, पता है तुमको? मुझे माजी के पास लेके चलो राजा, प्लीज।
पहले इन लोगों को इनकी जगह पर पहुंचा दें, तो उसके बाद हम तुमको माजी के पास ले जाएंगे, ठीक है? अरे पापा, किधर गया इसका घर? एड्रेस तो... अरे दादा, दादा, गुड मॉर्निंग दादा, गुड मॉर्निंग दादा, आमी आमी डॉक्टर चंडला चटर्जी। दादा, आपका घर ढूंढने में इतना तकलीफ हुआ? तकलीफ? सत्य बोल छी, क्या आप अंदाजा भी नहीं कर सकता है दादा? तकलीफ? आप मुझसे कह रहे कि मुझे तकलीफ का अंदाजा नहीं है? अरे तकलीफ क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ। बोलो। अरे तकलीफ एक हो तो बताऊँ ना, पिछले 2 सालों से मेरा बाथरूम लीक कर रहा है, उसे रिपेयर करने के लिए मैंने कड़ियों को बुलाया तो कड़ी ने छत तो रिपेयर कर दी, लेकिन शावर और नल चुरा गया। दूसरे को बुलाया तो उसने मेरा दरवाजा चुरा लिया। अब जब भी नहाने जाता हूँ तो बच्चे चिढ़ाते हैं, पपनंगे हैं पपनंगे। बाजू वाले ने बिजली का बिल नहीं भरा तो मीटर वाले ने मेरी लाइन काट दी। ये तो बहुत छोटा तकलीफ है, कोई बड़ा तकलीफ थोड़ी है। बड़ी तकलीफ? अरे बड़ी तकलीफ तो मैंने आपको अब तक बताई नहीं है। मेरी बड़ी तकलीफ इतनी बड़ी है कि आपके खानदान में भी किसी ने नहीं देखी होगी। दादा, मेरी तीसरी सास को मैंने जेवर का डब्बा लॉकर के अंदर रखने के लिए दिया और रास्ते में उसने लॉकर की चाबी घुमा दी। बड़े बाबा, जेवर का डब्बा वो बैंक के वॉचमैन को देकर वो चाबी ढूंढने निकली। हाँ। चाबी मिल गई, लेकिन वॉचमैन जो है वो हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गया। बड़े बाबा, अभी 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 सोसाइटी की नोटिस आई है कि आपका घर घर नहीं है, चिड़िया घर है, इसे फौरन खाली कीजिए। डॉक्टर, मैं पागल हो जाऊंगा डॉक्टर। यानी कि आप अभी तक पूरा पागल नहीं हुआ है? नहीं दादा, जब तक आप पूरा पागल होगा नहीं, हम आपका इलाज कैसे करेगा? सॉरी दादा, हम खामे खा यहाँ पर आने का तकलीफ क्या? सॉरी, तकलीफ की बात करता है ये कहकर मेरी तकलीफ और बढ़ा दी इसने। कहाँ गया? चल मालिश कर। अबे तेरे हाथों में भी तकलीफ है क्या? तकलीफ? अरे दीदी दी, जीजा जी, दीदी जीजा जी, दीदी जीजा जी, जीजा जी। क्या हुआ? चिल्ला क्यों रहे हो तुम? अरे क्या हुआ? अरे वो डॉक्टर है ना, वो प्रतिभा को लेकर गार्डन में बैठा है। क्या बकते हो? अरे गार्डन में सो खरीदियो छे, इलाज का घर मत थाए। हंस रहे हैं, गुच्छ रहे, उड़ा रहे हैं। अच्छा अच्छा, सुनाई दे रहा है। चलो चलो, देखो चलो सही क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? आओ आओ, अरे दरवाजा खोलो। हमने यार डॉक्टर साहब ने बंद किया है, वो बोला है जब तक इलाज चलता है बीच में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं मांगता है। अरे ये चलो चलो देखते हैं, छोड़ेंगे नहीं। ये कैसा इलाज कर रहा है वो? में कोई इलाज होता है क्या? कहाँ है? अरे हंस हंस के सनम मुझसे बात करती है, तू जो हंस हंस के सनम मुझसे बात करती है, बस यही बात जमाने को बुरी लगती है, बस यही बात जमाने को बुरी लगती है। तेरी चाहत जो मेरे साथ साथ चलती है, तेरी चाहत जो मेरे साथ साथ चलती है, बस यही बात जमाने को बुरी लगती है, बस यही बात जमाने को बुरी लगती है। खुशबू मेरी सांसों में जो महकती है, तेरी खुशबू मेरी सांसों में जो महकती है, बस यही बात जमाने को बुरी लगती है, बस यही बात जमाने को बुरी लगती है। समझा रे दे दीवाने को, हर भली की वो बुरी लगती है जमाने।
आँखों में तारीफ मेरे लब से जो निकलती है तेरी तारीफ मेरे लब से जो निकलती है बस यही बात जमाने को बुरी लगती है बस यही बात जमाने को बुरी लगती है भाई चंपा जागो रे जागो रे ए क्यों रे क्या हमारा रास्ते के बीच में खड़ा है भूत की तरह हमारा बिस्तर कर दो हमको जाकर सोने को है तुम यहाँ इलाज करने आए हो या रोमांस करने एक बात बोलेगा हाँ बोलो तुम घोड़ा है हाँ क्या बोल के घोड़ा भी इतना घोड़ा नहीं होता है अरे पागल आदमी के साथ रोमांस करने के लिए पागल को एक्टिंग करना पड़ेगा ना यानी कि उसे चाहने के लिए मुझे पागल बनना पड़ेगा तुम फिक्र मत करो तुमको हम पागल बना देगा क्या 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 मतलब मतलब कि हम तुमको उसके लायक बना देगा बाबा अरे सुजीत नाम है मेरा प्यार से लोग मुझे सू कहते हैं बहुत जल्दी तुम्हारा नाम पागल हो जाएगा और प्यार से तुमको लोग पॉ बोलेगा मौसा जी कहाँ जा रहे हो ये सब यहाँ नहीं चलेगा ऐसी हरकत फिर से की ना तो जान ले लूंगा साले साला बोलता है साला साला वो है हमको सब मालूम पड़ गया है ये घर के अंदर दो कमीना है दो साला है बाकी सब नीच है हम तुमको बताता है इसे बात करके एक मिनट क्या हमको तुमको एक वार्निंग देना है अगर प्रियतमा को पाना है ना बनेगा मैं पागल क्या पागल नंबर वन भी बनेगा पागल नंबर वन नहीं पागल और तुमको मजनू से भी ज्यादा कपड़ा फोड़ना पड़ेगा हाँ और वो जो सोनी महवाल जो डीप वाटर में गया था ना उसे भी डीप वाटर में तुमको जाना पड़ेगा और रोमियो था ना वो रोमियो जिसको इतना गुच्छा गुच्छा लगा था ना उसे भी तुमको पेट में खाना पड़ेगा और जितना भी हटेला कटेला फटेला ड्रैकुला है सब करना पड़ेगा बनेगा प्रतिभा को पाने आज से मैं रजत हटेला बनेगा चलो ये क्या किया इसी बात पे हट जाओ किरे नीचे क्या देख रहा है मैं कुछ देख नहीं रहा है मैं सीधा खड़ा नहीं हो सकता ये बचपन से है कि पैदाइशी है पैदाइशी है अभी मालूम पड़ा है घर के अंदर साला सब टेढ़ा है डॉक्टर साहब जी हेलो एक बार और मैं सीधा खड़ा होना चाहता हूँ अरे अभी हम एक साथ पूरा इलाज करेगा पागल ऐसा ऐसा करेगा आपसे अच्छा डॉक्टर मैंने देखा नहीं तुम ही पागल एक बार अरे ऐसा कैसे पीछे हो रहा है अच्छा नहीं लग रहा है वो हमारे को 2500 लोग बोला कि शादी का बंगला ऐ है ऐ है ऐ है अरे भरी छोड़ के ऐ है एक ही दादा एक ही तुम कौन सा एड्रेस पे भेजा तुम गोंडो को एड्रेस है दादा की एक ही दादा हमको सानी का एड्रेस अभी अभी मिला है हम आपको नया एड्रेस पे भेज देते आइए एक ठो बार खाली एक ठो बार हमको दादा अगर आप एक बार भी अंदर चले गए ना तो हम हमेशा के लिए बाहर चले जाएंगे देखो दादा एक बार हम सानी का एड्रेस गए किधर किधर नहीं भटका एक बार दादा अगर आप थोड़ा बहुत नहीं भटके ना तो हमारी तो जिंदगी भटक जाएगी की बोलची सत्ती बोलची सत्ती बोलची जी दादा हम तुम्हारा जिंदगी भटकने नहीं देगा हम खुद रास्ते पे आ जाएगा लेकिन तुम्हारा जिंदगी भटकने नहीं देगा यू नो दादा वाई वाई अमी बंगो बंधु बंगो बंधु दादा अरे दादा बोलो बोलो अभी पोतो बोलो अगर ये सारी दुनिया आप लोगों की तरह हो जाए ना तो दुनिया में कोई नहीं भटके टाइम नहीं है दादा पोतो बोलो आप बताते हैं मैं भूल गया खुशी के मारे बताते हैं डॉक्टर आधा भागे लगता है अरे पागलों के साथ रह रहकर ये डॉक्टर खुद ही पागल हो जाते हैं हम तो हमको पागल समझता है अति सुंदर अब तुम लोग सब लोग मिलकर पत्ता खेल रहा है अति सुंदर लोग साथ में भोजन करता है और तुम लोग सारा पत्ता खेलता है अब तुम्हारा फैमिली का ताश का जोकर कौन है मैं जोकर चार होता है सबसे बड़ा जोकर कौन है हाँ मैं हूँ एक तो बात कर रहा है आपसे जरा साइड में आएगा मुझसे हाँ वो हमारा प्रॉब्लम क्या है कि वो बड़ा डॉक्टर होता है ना वो इलाज करने से पहले फैमिली का हिस्ट्री निकालता है अच्छा हमने पता लगा तुम्हारा फैमिली में हिस्ट्री नहीं है सब मिस्ट्री है लेकिन हमको इतना जानना है कि प्रॉपर्टी का ओनर कौन है थोड़ा मैं है थोड़ा मेरा भाई है और बाकी वो पागल लड़की पागल लड़की कभी ओनर नहीं होता है अच्छा पागल लोग ओनर नहीं होता है अरे बाबा कितना अच्छा होता तुम्हारा भाई भी अगर पागल होता तो सारा प्रॉपर्टी का मालिक तुम होता क्या बात कर रहे हो है? ये तो मैंने सोचा ही नहीं तुम नहीं सोच सकता मालूम है क्यों क्यों तुम भी थोड़ा पागल है अच्छा इतना हिस्ट्री जान गया काफी है अब बचा हुआ हिस्ट्री हम बाद में जानेगा पता खेलो अब मिल बात के गंदा काम करो पत्ता खेलो सिगरेट पियो दारू पियो तभी तो बर्बाद होगा ओके एंजॉय करो की बाबा और तू पता नहीं खेलता है अरे तबीयत बहुत खराब है डॉक्टर साहब अरे जिसका तबीयत खराब होता है वो तो खुद लापता होने वाला होता है शाख से टूटने वाला पत्ता होता है वो पत्ता कैसे खेलेगा तो हम तुम्हारा इलाज करेगा तुम हमारे साथ आओ अच्छा, हम इनको इलाज करता है अब पेट में दर्द किधर हो रहा है ऊपर की तरफ के नीचे की तरफ इधर उधर हो रहा है ये पुड़िया खाओ खलास हो जाएगा क्या मतलब बीमार नहीं बीमारी डॉक्टर साहब
डॉक्टर साहब की हालों की है? अरे पेट दर्द तो ठीक हो गया लेकिन अब तो बुखार आ गया मुझे। बापरे ये तो बहुत ज्यादा बुखार हो गया। अरे बापरे अब तुम एक काम करो, तुम्हें काढ़ा लो, काढ़ा लेगा ना खलास हो जाएगा। क्या खलास होगा? बीमार नहीं, बीमारी। ये घर का इलाज करने के लिए कैसा कैसा सीढ़ी चढ़ना उतरना पड़ता है। कीड़ा है तुमको काढ़ा दिया था, तुम्हारा बुखार दूर हो गया क्या? उड़ी बाबा ये तो कभी भी बुखार नहीं आएगा इसको। उड़ी बाबा रे बाबा। अरे मैं पागल नहीं हूँ, अरे भैया मैं पागल नहीं हूँ, अरे कहाँ ले जा रहे हो मुझे? अरे क्यों है तुम्हें एक तो पागल की अकेला क्यों बैठा है? चलो हम तुम्हारे लिए एक बड़ा इंजेक्शन लेकर आता है। नहीं 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 नहीं, इंजेक्शन नहीं। तो अकेला क्यों बैठा है? वो क्या है ना, मेरे पति बीमार है ना। अरे पागल, तुम्हारा पति बीमार नहीं है। तो अरे तुम्हारा पति पागल मालूम है तुमको? नहीं। अरे वो तो जवान लड़की के साथ में हॉलैंड भाग गया। क्या हॉलैंड? इधर कौन है तेरा मुसाफिर, जाएगा कहाँ सुदेश द्वार? अरे इके बाल एकदम खड़ा हो गया। अरे तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो गया बाबा। अरे अब क्या और बुरा होना बाकी है? बहुत हुआ है, तुमको मालूम नहीं है। ऐसा तुम्हारा बड़ा भाई और तुम्हारा भाभी ने मिलकर तुमको मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया। और जैसे तुम मेंटल हॉस्पिटल गया, तुम्हारा बीवी भाग गया हॉलैंड। क्या? हाँ। ए झुमरू देखो ना, इनका बीवी भाग गया। छोकरे का उम्र क्या था? 25 साल के छोकरे के साथ भाग गया। अभी तुम क्या करेगा? अरे मैं हॉलैंड जाके उसको गोली मार दूंगा। तुम कहाँ जा रही हो? तुम कहाँ जा रहे हो? हाँ हाँ मुझे सब कुछ पता है। हाँ, मुझे भी सब कुछ पता है। अच्छा मुझे धोखा दे रही हो? तुम मुझे धोखा दे रहे हो। अच्छा बेवफा, बेवफा तुम, बेवफा तुम, तुम बेवफा हो। रोजात ये देखो क्या है, हमारे गांव से दो दो नर्स आया है तुम्हारा इलाज के लिए। लेकिन मुझे हुआ क्या होगा? तो अरे बाप रे, दुनिया में क्या हो रहा? क्या हो गया? इसने हमको, तुमको क्या? इसने हमको कोई का नहीं छोड़ा। क्या बात करता है, कहीं को तो पक्का छोड़ा होगा। कहीं को नहीं छोड़ा, कहीं को भी नहीं छोड़ा। क्यों रे तुम्हें एक चुप पागल? हाँ लड़की को जिंदगी खराब कर दिया, तुम अंदर जाओ, हम देखता है। डॉक्टर साहब तुम्हारा क्या है? इसने हमको भी, अरे तुमको भी, हमको भी कहीं का, अरे कहीं का नहीं छोड़ा। अरे क्या रे तुम एक तो सेक्स मेनिया पागल बकवास, तुम अंदर जाओ, लड़की को जिंदगी खराब कर दिया। डॉक्टर साहब हाँ इसने मेरे साथ भी, तुमको भी? हाँ मेरे साथ भी। अरे तुमने अपने घर के अंदर सेक्स कैंडल कर दिया? अरे तुम्हें एक चुप पागल, 7x7x7 21 इयर्स का जेल होगा। और भागते भागते खुद मेंटल हॉस्पिटल जाएगा, एम्बुलेंस की भी जरूरत नहीं है। अरे तुम्हारी वजह से, हाँ तुम्हारी वजह से। मुझे एक लड़की देखी, 36 हम लोग पागल नहीं है, वो डॉक्टर खुद पागल है। तुम लोग समझते क्यों नहीं हो, हम लोग पागल नहीं है। वो चंडोला उल्लू का पट्टा है, चंडोला गधा है, पागल है। वो चंडोला की बच्चा कौन हमें गाली देता है? गाली कौन दी हम? सर ये सैनी परिवार है सर, ये पूरा परिवार अभी ताजा ताजा पागल हुआ है सर। सैनी परिवार? एक गाला गाली क्यों छे, कौन सारा गाली निकालता है हमको? एक गाली क्यों छे, इसलिए गाली क्यों निकालता है तुम लोग हमको? अरे हम तुमको गाली नहीं निकाल रहे हैं, हम डॉक्टर चंडोला को गाली निकाल रहे हैं। सारा गटर का कीड़ा पकोड़ा भैंस है भैंस, फिर गाली निकालता तुम लोग हमको? तुम लोग शाला है, कौन है तुम लोग शाला? अरे मैं प्रेम सहानी और ये सुदेश सहानी। आई सी, तो तुम ही लोग वो सहानी परिवार जिसको हम शाला पूरा ढूंढ ढूंढ के थक गया। तुमको शर्म नहीं आता है? तुम लोग शाला एक पागल डॉक्टर, आई मीन एक पागल के डॉक्टर को अपने घर पे बुलाता है और खुद यहाँ पर पागल खाने में आकर बैठता है? बड़ी नॉनसेंस इडियट। ओ डॉक्टर साहब, हम लोग पागल नहीं है, वो डॉक्टर चंडोला ने हमको पागल बना के यहाँ भेज दिया है। दुनिया का पागल पागल जानता है कि पूरा दुनिया में खाली एक ही पागल डॉक्टर है, आई मीन पागल का डॉक्टर है,
और वो है डॉक्टर चंडोला, बाकी सब गंडोगोल है। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, हमारे घर में भी एक डॉक्टर चंडोला है जो हमारे पागल भतीजी का इलाज करने आया है और वो भी फॉरेन से। पता है वो बिल्कुल आपकी तरह दिखता है। इम्पॉसिबल, दुनिया में खाली एक ही दूसरा आदमी है जो बिल्कुल हमारी तरह दिखता है, वो हम खुद। और फौरन से उसकी भतीजे का इलाज करने के लिए भी हम ही आया है। अगर तुम डॉक्टर चंडोला हो तो वो कौन है? राजा भैया, हमको यकीन नहीं होता कि आप इतनी सारी दौलत छोड़कर अपने गांव वापस जा रहे हैं। अरे झुमरू भैया, राम को सीता मिल गई, अब लंका चाहे सोने की हो या हीरे की, हमारा क्या लेना देना। जय राम जी। राजा भैया, चलिए चलिए निकलिए चलिए। जाने से पहले एक गुजारिश है। हाँ बोलिए। सिर्फ एक। हाँ जरूर, क्यों नहीं, एक मिनट। चलो। बहुत बहुत शुक्रिया राजा भैया। राजा भैया, हमारी ऊपर वाले से प्रार्थना है कि आपको रास्ते में जितने टेढ़े मिले आप सबको इसी तरह से सीधा कर दे। ये क्या है? वायर, नंगा वायर। और इसे छूने से क्या होता है? करंट लगता है। और ये क्या है? गुड़िया। और इसे कौन छुएगा? पगली। इसीलिए प्यार से लोग मुझे सुसु कहते हैं। सु, वही बोला, वो हिचकी की वजह से सुसु हो गया। राजा, क्या हुआ? मेरा खिलौना। राधा, राधा, अरे झुमरू, ए झुमरू, अरे इनको क्या हो गया? अरे लगता है बिजली का धक्का लग गया इनको। हम अभी एम्बुलेंस बुलाते हैं। लिखिए नाम इस पेशेंट का। ए ठहरो, तुम होते कौन हो इस हॉस्पिटल में दाखिल कराने वाले? लगते कौन हो तुम इसके? एक बात बताओ भैया, तुम क्या लगते हो? अगर कुछ लगते होते ना तो इनको दाखिल कराने के लिए मदद करते, इतना रोकने नहीं आ जाते और साथ में चार गुंडे नहीं लाते बल्कि एक डॉक्टर ले आते। हमें बस सिखाओ हमें क्या करना है। आप लोग अपना झगड़ा बाद में निपटाइए, पेशेंट को इलाज की सख्त जरूरत है। आप चलिए डॉक्टर साहब, चलिए, बाकी हम इनको बताते हैं कि हमारा इनसे रिश्ता क्या है। अरे सुना भैया, अस्पताल के अंदर चार खटिया बुक कर लेना। क्यों? वो क्या है कि हम इनको बाहर तो ले जा रहे हैं मगर बहुत जल्दी अंदर भेजेंगे। ठीक है, आओ आओ। अरे बाप रे, इनकी भैंस का तबेला मारे। आओ आओ आओ, सब लगा दो। हाँ अभी बतावा कि कहाँ से शुरू करें। सुजीत नाम है मेरा, ख्याल से लोग मुझे सो रहे हैं। आइए। मेरी बचपन की इच्छी हमेशा के लिए गई। मेरा बाप, गुरुदेव आपने हमारी हिचकी बंद कर दी। तो ये हमने जो कहा आपने सुना ना भगवान। राजा भैया, दीदी को होश आ गया है, वो बिल्कुल ठीक हो गई है। चलो भैया, तो बड़ा अच्छा हुआ। ठीक हो गई का मतलब है? हुआ मतलब ठीक हो गई, मतलब पागल नहीं रही? नहीं नहीं, वो क्यों पागल होगी? अरे पागल होगा क्या, बात कर रहे हो तुम? अरे हम क्यों पागल हो गए? अरे वो ठीक हो गई तो हम पागल हो जाएंगे? अरे नहीं भैया, ये तो हम अरे पागल हो जाएंगे खुशी के मारे। भैया क्या बात कर रहे हो तुम? अरे नहीं नहीं, आप पागल मत होना, अगर आप पागल हो जाओगे तो हमारा क्या होगा? अरे गजब का पागल बना यार, अभी थोड़ी देर पहले हमारी ये हालत थी कि हम तुम्हारे पागल हो जाते, अभी हम खुशी के मारे पागल हो जाएंगे, ऐसा मत करो यार। अरे जय बजरंग बली, अरे जय हो, जय हो, नमस्कार, बाहर निकलिए, जय हो जय हो जय हो। अरे अरे हमारी इकलौती पत्नी ठीक हो गई, प्रसाद खाओ। अरे राधा तुम ठीक हो गई? कौन हो तुम?
अंकल, आंटी। अरे हाँ, तुम्हारे पति। पति? कौन पति? कैसा पति? ये पति, ऐसा पति। हम तुम्हारे पति हैं राजा, तुम हमारी पत्नी हो राधा। What nonsense? ये राधा वादा कौन है? मैं प्रतिभा हूँ, प्रतिभा। प्रतिभा? ओए, अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। ये तो पिछला याद आ गया, मजला भूल गई। ऊपर वाला माला ठीक होते ही मजला माला खराब हो गया। ये भगवान, तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। हमने तुमसे प्रार्थना की थी। क्या बक रहे हो तुम? अरे बकरा तो तुम बना रहे हो अच्छे भले आदमी को। तुम पागल हो क्या? हाँ? पागल? हम पागल? हे भगवान, गजब का संसार है। जिस पागल को ठीक करो वो ठीक होते ही ठीक करने वाले को पागल बना देता है। अरे अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि हम तुमको गांव में तंग कर रहे थे, तुम उसका बदला ले रही हो? अरे अगर ऐसी बात है तो गांव चलो, हम पहले तुम्हारे चक्कर में बहुत परेशान हो चुके हैं। हमको और परेशान मत करो राधा। अरे कोई बात नहीं, बैठो 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 बैठो, बीमार न हो जाओ तुम। अंकल, नहीं, हम देख रहे हैं कि जो भी है वो पहले से बहुत अच्छा है, वरना अगर तुम पहले वाली होती तो तुम बोलती कि तुम निकलते हो क्या बीमारी। ये फूट उठा के फेंक रही है। मारूंगी तुमको। आ गया आ गया आ गया, फोन आ गया। हेलो हेलो, हाँ मुखिया जी। अरे मुखिया जी मुबारक हो, अपनी पगली ठीक हो गई। बधाई हो राजा बेटा। हाँ, लो खान चाचा से बात करो। हाँ दीजिए दीजिए दीजिए। हाँ खान चाचा। हाँ आदाब। जीते रहो। अरे मुबारक हो, ये एकदम ठीक हो गई। अरे वाह वाह वाह, बहुत अच्छी खुशखबरी है। लो अपने माँ से बात करो बेटे। हाँ दीजिए दीजिए, फोन दीजिए। हेलो। हाँ माँ। हेलो राजा, बोल बेटा। हाँ मुबारक हो, ये एकदम ठीक हो गई। अच्छा। हाँ हाँ, लेकिन माँ उसको सब पिछला याद आ गया है, मगर वो हमको नहीं पहचान पा रही। और इसको कुछ याद ही नहीं कि वो गांव में कब पहुंची, कैसे पहुंची, उसका ब्याह भी हुआ है कि नहीं हुआ। एक बात बताए माँ, हमने उसको जताया नहीं, लेकिन जब उसने हमको पहचाना नहीं ना, तो हम टूट से गए माँ। राजा दिल छोटा मत कर, भूलने की आदत तो दिमाग की होती है बेटा। तू उसके दिल को टटोल कर दे और फिर देखना, वो तुम्हारी है और तुम्हारी होकर रहेगी। राजा दिल छोटा मत कर, ठीक है बेटा? Yes! चलो ये बात तो तय हो गई, सुजीत और प्रतिभा की शादी करा देते हैं, बाकी सारी जायदाद आपस में बांट लेते हैं। आपको क्या लगता है, वो गवाह राजा ये शादी होने देगा? बिल्कुल नहीं। अगर ये शादी यहाँ हुई तो राजा इसमें जरूर रुकावट डालेगा, इसलिए हमें कहीं बाहर जाकर ही शादी करवानी होगी। बिल्कुल ठीक कहा भाभी जी आपने, चलिए लंदन चलते हैं और वहीं शादी करवा देते हैं। वेरी गुड आइडिया, वेरी गुड आइडिया। बच्चों की शादी भी हो जाएगी और हमारा वेकेशन भी। कब चले? कल। चलो चलो जल्दी जाके प्लेन में सीट पकड़ते हैं। कहाँ जा रही हैं हमको छोड़? इस तरह से सात समुद्र पार चले जाने से का सात जन्मों का रिश्ता टूट जाता है। अरे संसार ने सर फिरे आशिक बहुत देखे होंगे, मगर सर फिरा पति दुनिया पहली बार देखी। जस्ट शट अप, ना ही मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और ना ही राधा। चलो तुम राधा नहीं हो, मगर पत्नी तो तुम हमारी हो। अब तुम राधा से प्रतिभा हो गई तो इसमें हमारा क्या कसूर है? मगर हम तो राजा थे, राजा है, और ऊपर वाले चाह तो राजा रहेंगे। इसलिए आप अपनी प्लेन की टिकट फड़वाइए और ट्रेन की टिकट कटवाइए, गांव की ट्रेन आपका इंतजार करिए। चलिए, अगर तुम्हें ट्रेन की टिकट की जरूरत है तो इतना तमाशा करने की जरूरत नहीं है, समझे? ये लो पैसे और चले जाओ अपने गांव हमेशा के लिए। मुंह तोड़ देंगे हम आपका। जब मुंह खोलते हैं गलत बात करते हैं, और दो मुंह की बात करते हैं, एक ये है जिनका मुंह वही है लेकिन दिमाग बदल गया, और एक हम है जो इस दिमागी हालत के अंदर गांव वालों को अपना मुंह नहीं दिखा सकते। राधा, क्या तुमको कुछ याद नहीं? कुछ भी नहीं? ये शख्स जो ट्रेन की टिकट कटवाने के लिए इतना मरे जा रहा है, उसी ट्रेन के नीचे कटकर तुम मरने वाली थी जब हमारी माँ ने तुमको बचाया। भूल गई तुम? याद करो उस औरत को जिसने पूरे गांव से पंगा ले लिया था और एक पगली से अपने बेटे की शादी करा दी, और हम भी ग्रेड बनने चले थे ये सोचकर कि माँ का आशीर्वाद कभी गलत जा ही नहीं सकता, हमने तुमसे शादी कर ली। और एक हम है जिसके कान तरस गए पति का लफ्ज़ सुनने के लिए तुम्हारे मुंह से हमारे लिए। आइए बैठिए, खाना खाइए, तो बहुत दूर की बात है। अरे जिला दुश्मन कर दिया था तुमने हमारा, कभी मुर्गी का दरबा खोल दिया तो कभी हमारे कुर्ते में फटाका तोड़ दिया, कभी चोर करके पुलिस में अटका दिया तो कभी अचानक गायब होकर हमारी जवानी को लटका दिया। भूल गई सब कुछ? याद है फॉरेस्ट ऑफिसर किस तरह तुम्हारी इज्जत लूटने वाले थे और हमने तुम्हारे हाथों से उसको पिटवा दिया था? अरे कुछ याद होगा? नहीं, सब भूल गई।
चलो तुम सब भूल गई हो, एक बात तो तुमको याद होगी। निभाए एक ऐसा बंधन बन जाओ, मैं बन जाऊं प्यार भरा दिल, मैं बन जाऊं प्यार भरा दिल, तुम दिल की धड़कन बन जाओ, तुम दिल की धड़कन बन जाओ। जन्म जन्म निभाए एक ऐसा बंधन बन जाओ, मैं बन जाऊं प्यार भरा दिल, तुम दिल की धड़कन बन जाओ, तुम दिल की धड़कन बन जाओ। Yeah।